So, hi everyone, I am Vaibhav Sharma, and in this session we will solve NHPC GSTC previous year question. Along with it, we will discuss most expected questions of these two examinations. This session na keval NHPC GSTC balki sare examination ke liye helpful hai, kyunki hum objective questions ko practice karenge jo exam mein aaye hue hain, aur saath hi saath detail mein observe karenge. Jo bhi log mujhe jante hain, they know well ki ek question saath hum almost 10 question prepare kar lenge. तो सेशन को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, आपके लिए सेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा. बिफोर स्टार्टिंग, वी नो अबाउट टीम एमसीक्यू इज नोन फॉर इज एक्सट्रीम टेस्ट सीरीज परफॉर्मेंस. तो अभी जो टीएसडीसी एनएचपीसी का टेस्ट सीरीज एक्टिव है, एसएससी जेई डीडीए और जेईई एसएसबी जेई और एई का टेस्ट सीरीज एक्टिव है, आप जाकर एनरोल कर सकते हैं. अभी के टाइम पर जैसे कि ऑफर चल रहा हुआ है, तो अभी आप जाकर एनरोल करेंगे तो आपको ये बहुत कम प्राइस पर देखने को मिल जाएगा ऑफर प्राइस के तहत, वरना इसका एक्चुअल कॉस्ट 150 रुपीज़ है. आप इसको अभी जाकर 75 रुपीज़ में बाई कर सकते हैं, ठीक है, अभी के लिए ऑफर चल रहा है, बाकी टाइम बाद में ये प्राइस जो है रेगुलर प्राइस हो जाएगा. सो आप देख सकते हैं जाकर के और कंटेंट को चेक कर सकते हैं. अभी अगर हमारे बारे में बताएं तो सिलेक्शन सो फार में यू विल गेट टू नो कि कंटिन्यूसली हम अपना सिलेक्शन इंप्रूव कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं. सो इन एसएससी यू विल सी 45, 32 देन 110, यानी कि 110 सिलेक्शन हमें मिले हैं 234 में से इस साल, जो कि अब तक हाईएस्ट रहा है. ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 50% से ज़्यादा सिलेक्शन है, क्योंकि 234 में हर एक बंदा सीरियस नहीं होता है, एनरोल कर लेते हैं, वो सारे टेस्ट में अपियर नहीं होते हैं, वो गाइडेंस नहीं लेते हैं. तो वी विल से कि 50% से ऊपर ही हमारा सिलेक्शन रेशियो इस बार भी है. सो इट्स अ क्वाइट गुड, बहुत सारे लोग सिलेक्टेड हुए हैं. एंड यू कैन सी ओवर हियर, टिल नाउ वी हैव मेंटर्ड मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स सो फार, और ये अपने आप में एक प्राइड मोमेंट है कि हमने लोगों को फ्री में उनके डाउट सॉल्व करके उनको गाइडेंस दे करके सॉल्व किया है. और टेस्ट सीरीज भी एक नॉमिनल प्राइस पर रखी हुई है, ताकि हम मैक्स टू मैक्स लोगों को जो कि फाइनेंशियली इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते टेस्ट सीरीज को बाकी कोर्सेज को, तो उनके लिए देख सकें. उसी के लिए ये सेशन भी इनकॉर्पोरेट है, यूट्यूब पर ये सेशन आपको देखने को मिल रहा है, आपसे इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देखने को मिलेगा, तो आप इस सेशन को फ्री में इंजॉय कर सकते हैं. About some dedicated efforts, you can see various of peoples have extremely got various of good rank, like you can say CPWD, MES and various of other departments also, they have achieved the top rank. AR1 is also from the team MCQ group. So you can see the slides of or pride moment that we work continuously hard for that, and uska result hame continuously mil raha hai. People are still happy, they are getting their dream department, dream job and getting selected over here. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा डीवी को स्किप करने को लेकर के, यूपी ट्रिपल एस सी जेई डीवी को लेकर के हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऑलरेडी कहीं सिलेक्टेड हैं, स्पेशली इन द हायर लेवल जॉब और एग्जामिनेशन लाइक एसएससी, यूपीपीसीएल, एनएचपीसी एंड अदर एग्जामिनेशन ऑल्सो, तो इस बार आप डीवी ना कराएं, क्योंकि डीवी कराने के बाद कोई सेंस निकलेगा नहीं. अगर आपको ये कमीशन ज्वाइन करना है, यूपी ट्रिपल एस सी को ज्वाइन करना है, तब आप डीवी कराएं. अगर नहीं ज्वाइन करना है तो मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, टीम एमसीक्यू की भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप डीवी को स्किप कर दें, क्योंकि आपका ये स्किप करना बाकी लोगों के लिए वो एक जॉब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट देकर के जाएगा, उन लोगों के लिए काफ़ी बड़ा वो एक मोमेंट रहा होगा कि उनको एक जॉब मिल जाएगी एटलीस्ट. और आपको डीवी कराने के बाद छोड़ने से कोई सेंस बहुत बड़ा मिलेगा नहीं, आपने ऑलरेडी एग्जाम को क्वालिफाई कर चुका है, यही आपके लिए प्राइड मोमेंट है. सो अगर आप डीवी को स्किप कर सकें, अगर आपको जॉब ज्वाइन नहीं करनी है, तो प्लीज़ आप ये कदम जरूर उठाएं, बाकी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. नाउ वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. क्वेश्चन नंबर 1 to 20 मैं इसमें कवर अप करा रहा हूँ, 20 के आसपास क्वेश्चन हम हर एक वीडियो में कवर अप कराएंगे, और पूरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कराएंगे. ओके, सो डोंट वरी एंड वॉच इट द सेशन. पहला क्वेश्चन है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्टील कॉलम ऑफ द लेंथ एल इफेक्टिवली हेल्ड इन बोथ द पोजिशन एट बोथ द एंड्स एंड डिस्टेंड ओनली एट वन एंड. देखो इसमें दो चीजें हैं, इनको हमें समझना है, तब जाके क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा. एंड आई एम सॉल्विंग ऑल द थिंग्स. पहला है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन. इफेक्टिवली हेल्ड पोजिशन मतलब ये है कि ये हमारा जो कॉलम है ये इफेक्टिवली हेल्ड है बोथ पोजिशन पर. हेल्ड मतलब क्या है कि मूव नहीं हो सकता है, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना, रोटेट हो सकता है, मूव नहीं हो सकता, ट्रांसलेट नहीं हो सकता है, इसका मतलब है इफेक्टिवली हेल्ड. आगे कहा है कि रिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, रिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, और एक एंड पर रिस्टेंस किया गया है, एक एंड पर रोटेशन भी नहीं है. तो यानी कि कहने मतलब यह है कि ट्रांसलेशन है और एक एंड पर रोटेशन है, कि एक जगह फिक्स है और एक जगह हिंज है. क्लियर इस लैंग्वेज को समझ पाए ना, इसका मतलब क्या है, यानी कि एक जगह पर ये फिक्स हो गया, यहाँ पर क्या है, नो रोटेशन एंड नो ट्रांसलेशन, यानी कि ये क्या है, पोजिशन में भी हेल्ड है, रोटेशन में भी हेल्ड है, लेकिन दूसरे एंड पर केवल केवल पोजिशन में हेल्ड है, रोटेशन में हेल्ड नहीं है. तो पूछा है इसके लिए इफेक्टिव लेंथ कितना रहा होगा. तो देखिए जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता है,
तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो ये सारे का मैंने ऑलरेडी टेबल इंक्लूड कर लिया, क्या कि टाइम बचे और इफेक्टिव रहे सेशन, फालतू टाइम पास नहीं हो। अब देखें कि जब अगर दोनों सेशन हमारे, दोनों सेक्शन हमारे फिक्स्ड रहें तो इफेक्टिव लेंथ निकल के आता है 0.5L, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, और रिकमेंडेड निकल के आता है 0.65L। अच्छा ये जो वैल्यूज ये क्या है, ये थ्योरेटिकल या रिकमेंडेड है? ये रिकमेंडेड है, ये रिकमेंडेड है। कई बार क्वेश्चन में लिखेगा इफेक्टिव लेंथ रिकमेंडेड, इंक्लूड कर देगा रिकमेंडेड लेंथ। देखो हर एक वर्ड हर एक क्वेश्चन को चेंज कर देगा, तो रिकमेंडेड उसने लिखा नहीं है लेकिन रिकमेंडेड है। मुझे कैसे पता लगा कि रिकमेंडेड है? इस वैल्यू को देख कर, ये वैल्यूज को देखकर। देखो 0.65, 1.5, 0.8 जो है ना, ये वैल्यूज आपको रिकमेंडेड में देखने को मिलती हैं, थ्योरेटिकल में ये वैल्यूज देखने को नहीं मिलती हैं। बात समझ में आई? ऑप्शन को देख करके ये समझ में आ रहा है कि रिकमेंडेड पूछना चाह रहा है। अगर वो क्वेश्चन में लिखता कि मुझे थ्योरेटिकल वैल्यूज बताओ तो ये आंसर चेंज हो जाता, ये आंसर सेम नहीं रहता। बात समझ में आ रही है ना? तो पहला तो उसने लिखा हो कि रिकमेंडेड है या थ्योरेटिकल है, या फिर उसने यहाँ पर इंडिकेशन दिया हो कि वो पूछना क्या चाह रहा है। जनरली वो रिकमेंडेड ही पूछता है, लेकिन कई बार कुछ क्वेश्चन में थ्योरेटिकल भी पूछा है, तो आपकी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो अभी हमें जो निकालना है वो निकालना है रिकमेंडेड का। तो उसने कहा है कि एक सेक्शन हमारा क्या है, फिक्स है, रोटेशन नहीं होना चाहिए, और एक सेक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिवली हेल्ड होना चाहिए। बात क्लियर है? तो ये भी इफेक्टिवली हेल्ड है, ये भी इफेक्टिवली हेल्ड है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे क्या ये सेक्शन रोटेट हो सकता है इस पॉइंट के अबाउट? हाँ रोटेट हो सकता है, क्योंकि ये जो हिंज है ये मोमेंट नहीं लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर रोटेशन अलाउ है, रोटेशन अलाउ है। यहाँ पर रोटेशन हो सकता है क्या, यहाँ पर रोटेशन नहीं हो सकता है। तो इसके लिए इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी? देखो जब अगर दोनों सेक्शन फिक्स हैं, इसका मतलब फिक्स सेक्शन है, तो रिकमेंडेड लेंथ होती है 0.65L। 0.65 का मतलब 0.65 ऑफ एल, 0.65 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव लेंथ, इसका मतलब ये है। जब एक एंड फिक्स है और एक एंड हिंज है, देखो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो ये हिंज है, तो ये 0.80L रहा होता है। जब एक एंड फिक्स है और दूसरे एंड पर रोलर है, ये क्या है, मूव कर सकता है ऐसे, इसका मतलब क्या है, ये ऐसा है, ठीक है। अगर ये आपको ये शेप भी दी जाए, इसका मतलब 1.2L है, ठीक है, ये गाइडेड रोलर है, क्लियर है। अगला जो सेक्शन है वो क्या है कि अगर दोनों हिंज है, यानी कि यहाँ पर भी हिंज है और यहाँ पर भी हिंज है, तो इफेक्टिव लेंथ एल निकल के आती है। अगर एक फिक्स है एक हिंज है तो 0.65 निकल के आता है, सॉरी 0.80 निकल के आता है, ठीक है, मैंने गलती कर दी, 0.80 निकल के आता है। और अगर दोनों ही फिक्स हैं तो 0.65L निकल के आता है। ऐसा क्यों होता है, याद कैसे करना है, मैं सारी चीजों को आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है, रटना कुछ नहीं है। देखो समझो, पहली चीज इफेक्टिव लेंथ क्या है। इफेक्टिव लेंथ दो, जहां पर बेंडिंग मोमेंट जीरो है, उन दोनों सेक्शन के बीच की लेंथ है, क्लियर है। जहां पर इफेक्टिव लेंथ क्या मतलब क्या है, जहां पर जब बेंडिंग मोमेंट जीरो है उन दोनों की पॉइंट का, उन दोनों के सेक्शन के बीच का लेंथ है, या फिर लेंथ बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन उनके बीच का लेंथ है, एक ही बात है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये हमारा दोनों तरफ हिंज सेक्शन रहा, ध्यान से समझना है कि एक बात को, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जीरो, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जीरो, दो जगह बेंडिंग मोमेंट जीरो है, तो इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा, ये टोटल लेंथ ही इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा, क्योंकि यही तो इफेक्टिव लेंथ है। जहां पर बेंडिंग मोमेंट जीरो है उन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वही तो एल इफेक्टिव है। तो यहाँ पर एल इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा, आप तक क्लियर है कहानी? आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ कि अगर मैंने इस सेक्शन को हिंज ही रखा है, इस सेक्शन हिंज ही है और इस सेक्शन को मैंने फिक्स किया है, ध्यान से सुनो मेरी बात, तो ये सेक्शन तो यहाँ से इफेक्टिव लेंथ, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है, क्या बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर जीरो होगा, यहाँ पर जीरो नहीं होगा, कुछ एक डिस्टेंस बाद जाकर बेंडिंग मोमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है। ये सेक्शन कुछ ऐसा ऐसा बेंड करेगा ना ये सेक्शन, देखो यहाँ पर तो सीधे रहेगा स्ट्रेट, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, मोमेंट ले सकता है हिंज, यहाँ पे स्ट्रेट रहकर बाद में जाके कुछ कर्व होगा, ऐसा होगा इस सेक्शन, ठीक है। तो कुछ ये जो लेंथ रहा होगा जहां पर हमारा बेंडिंग मोमेंट जीरो हो सकता है, तो हमारा एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव ये हो जाएगा। और एक सेक्शन ये है जब दोनों ही सेक्शन हमारे फिक्स हैं। अब मुझे बताओ दोनों सेक्शन अगर फिक्स हुए तो कुछ लेंथ ये कुछ ऐसा, इसका जो डिफ्लेक्शन बिहेवियर है वो कुछ ऐसा रहा होगा, तो यहाँ पे कुछ लेंथ बाद में रहेगा, यहाँ पे कुछ बाद में रहेगा, तो यही हमारा एल इफेक्टिव रहेगा। कॉमन सेंस से बताओ, कॉमन सेंस से एल इफेक्टिव ये ज्यादा है या एल इफेक्टिव ये ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एक हिंज है, यहाँ पर एक फिक्स है, तो एल इफेक्टिव ज्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, 0.80L होगी, और ये वैल्यू कुछ कम होगी, यानी कि 0.65L होगी। ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन होता है कि 0.65 कब होगा, 0.80 कब होगा, तो कॉमन सेंस से सोच लेना, अगर दोनों फिक्स हैं, अगर दोनों फिक्स हैं तो बेंडिंग मोमेंट कहीं आगे जाकर जीरो होगा, तो लेंथ जो है इफेक्टिव लेंथ कम मिलेगा। और अगर जो सेक्शन एक हिंज है एक फिक्स है,
तो क्या होगा, ये वाला सेक्शन तो पूरा हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ी कम लेंथ मिलेगी, यानी कि टोटल हमें ज्यादा इफेक्टिव लेंथ देखने को मिलेगी, यानी कि हमारा जो रिकमेंडेड इफेक्टिव लेंथ है वो 0.80 L निकल के आएगा। क्लियर हो रही सारी कहानी? तो यही चीजें पूछता है। अच्छा, एक और केस होता है जब फ्री का पूछता है कि अगर दूसरा सेक्शन हमारा फ्री है तो इफेक्टिव लेंथ कितना निकल के आता है, तो इफेक्टिव लेंथ कितना निकल के आएगा, इफेक्टिव लेंथ 2L निकल के आएगा। देखो वो भी क्यों निकल के आता है वो भी समझ लेते हैं। अगर हमारा ये सेक्शन फ्री है, एक सेक्शन फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है, बात समझ में आ रही है ना? एक एंड फिक्स है, फिक्स मतलब क्या है, ना तो रोटेशन ले सकता है ना ही ट्रांसलेशन ले सकता है, यानी कि इफेक्टिव हेल्ड इन पोजीशन एंड डिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड एंड अदर एंड इज फ्री। तो क्या होगा ना, ये सेक्शन कुछ ऐसे मुड़ेगा। अब हमें पता करना है इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, वही है दो बेंडिंग मोमेंट के बीच का डिस्टेंस। तो अगर हम इसको पीछे लेकर जाके जाएं, यहाँ पर इसकी मिरर इमेज बना दूं, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या है, जीरो है। अब देखो इसकी मिरर इमेज बनाओ तो कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे फिक्स और यहाँ पे इसकी मिरर इमेज बना दो, तो ये एल है और ये एल है, तो दो दो बेंडिंग मोमेंट जहां पर जीरो, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, वो इफेक्टिव लेंथ है, वो कितनी निकल के आएगी, वो इफेक्टिव यहाँ पे निकल के आएगी। इसीलिए जो फिक्स एंड है, एक पर फिक्स है दूसरे पर फ्री है, उसका जो इफेक्टिव लेंथ है वो 2L निकल के आता है। अभी क्वेश्चन ने पूछा है एक एंड फिक्स का, दूसरा एंड हिंज का, जिसका मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 0.80 L निकल के आता है। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, अब दूसरा सेक्शन दे दे, रिकमेंडेड दे, वो थ्योरेटिकल दे दे, वो अलग सेक्शन को चेंज कर दे, वो कुछ भी पूछ ले, इसके बाद आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आपने इस चीज को ध्यान से समझ लिया है। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप रेन गेजेस डू नॉट प्रोवाइड द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल। ऐसा कौन सा रेन गेज है जिससे हम इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल निकाल नहीं सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखो पहली चीज तो ये है कि इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल प्रोवाइड कब हो सकती है, कॉमन सेंस सोचिए, जब हमारे पास रिकॉर्डिंग रेन गेजेस रहे। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि वो रिकॉर्ड कराए कि कितना रेनफॉल टाइम के रेस्पेक्ट में, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल कितना है, तभी पता लग सकता है। इस चीज को हम पहले स्टडी करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हमें नहीं पता इसका आंसर कुछ भी क्या है, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रेन गेजेस होता है, कितने टाइप के रेन गेजेस हैं, उनका बिहेवियर क्या है, उनके प्रॉपर्टीज क्या है, और वो कैसे रेनफॉल को रिकॉर्ड करते हैं। पहला है नॉन रिकॉर्डिंग। नॉन रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है समझ जाएगा, जब एक चीजों को समझोगे समझ में आ जाएगा कि रिकॉर्डिंग और नॉन रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है। ठीक है, बस मुझे सुनते रहना लास्ट तक। पहला है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, जिसको बोलते हैं साइमन रेन गेजेस। तो साइमन रेन गेजेस है, ये आपको दिख रहा होगा, साइमन रेन गेजेस है। नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस इज द मोस्ट कॉमन टाइप रेन गेजेस यूज बाई मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो होता है जो रेनफॉल का डेटा सेंशन करता है। इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, 127 mm का डायमीटर होता है, सिलिंड्रिकल वेसल होता है, हालांकि ऐसे शेप का होता है ऊपर से। ठीक है, तो ये इसका जो डायमीटर होता है 127 mm का होता है, क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना है इसको। एनलार्ज टू 210 mm डायमीटर, और ये एनलार्ज हो जाता है बॉटम पर 210 mm डायमीटर का, यानी कि यहाँ पे इसका डायमीटर अगर आप ये देखोगे कि 127 mm है, और बॉटम पर आते आते इसका 210 mm डायमीटर एनलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है। एट इट टॉप सेक्शन फनल इज प्रोवाइडेड विद सर्कुलर ब्रास रिम व्हिच इज 127 mm एग्जैक्टली, सो दैट इट कैन फिल इनटू द वेसल वेल। ये क्या होगा कि इसका जो बॉटम है, उसका जो टॉप है, वहां पर हम फनल प्रोवाइड करते हैं ताकि लार्जर एरिया से, यानी कि जितना भी एरिया है जिसका जो डायमीटर है, उस सारे एरिया से क्या आ जाए, रेनफॉल हमारे पास आ जाए, एग्जैक्ट रीडिंग मिले। अगर हम फनल नहीं देंगे तो केवल इसी एरिया से रेनफॉल हमें देखने को मिलेगा, ये वाला एरिया जो डायमीटर है इसका क्या सेंस निकलेगा फिर, ये जो डायमीटर है इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा ना। तो हमें क्या करना है, हमें पूरे डायमीटर के अलोंग ही रेनफॉल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका जो बॉटम है, अगर आप देख सकते हैं इसका ये बॉटम कुछ इस तरह से है, तो हम फनल प्रोवाइड करेंगे इस तरह से ताकि ये पूरा जो इसका डायमीटर है उसके अलोंग ही रेनफॉल का रीडिंग हमें मिले, एक्यूरेटली रीडिंग मिले। अगर है फनल शंक इज इंसर्टेड नेक ऑफ द रिसीविंग बोतल, इसके नेक में इसको फिट कर देता है रिसीविंग बोतल में, विच इज 75 to 100 mm हाई फ्रॉम द बेस सेक्शन। इसका जो हाइट है जनरली बेस सेक्शन से, वो 75 से लेके 100 mm तक का हाइट का रहता है, जो कि रेनफॉल को रिसीव करने के काम में आता है। ये सारी कहानी है साइमन रेन गेजेस की। क्या होता है, रेनफॉल आएगा, रिकॉर्ड होगा, स्टार्टिंग किया सपोज सुबह हमने रीडिंग स्टार्ट किया एक टाइम से, और अगले दिन सपोज करो कि 8 AM से हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, और अगले दिन हम गए 8 AM पर 24 घंटे के बाद में, और रेनफॉल को देख लिया कि रेनफॉल कितना है, ध्यान समझना है इस बात को। ठीक है, हम सुबह गए 8 बजे, हमने रेनफॉल देखा, तो जो हमें रेनफॉल इसमें सपोज करो कि 11 जुलाई को ही गए, ठीक है, अब 12 जुलाई को जाएंगे 8 AM पर देखेंगे, और सपोज किया कि यहाँ पर रेनफॉल है 90 mm मान लो,
90 AM का रेनफॉल है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये बता देंगे कि टोटल 24 आवर्स में कितनी बारिश हुई। ये बता रहा है कि एक दिन में बारिश कितनी है, लेकिन रेनफॉल की इंटेंसिटी कितनी है, बारिश तेज कितने घंटे पर हुई, बारिश कम किस घंटे पर हुई, बारिश कॉन्स्टेंट किस घंटे पर है, हमें नहीं पता। ऐसा टाइम भी रहा होगा ना 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक, जब एक टाइम पर रेनफॉल पीक पर है, मतलब कि हम देखेंगे 9 से 10 बजे तो इतना ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, बहुत तेजी से बारिश हो रही है। किसी टाइम पर हमने देखा होगा बारिश हुई नहीं होगी, बारिश ऑलमोस्ट जीरो है। किसी टाइम पर बारिश कॉन्स्टेंट है, ड्रिजलिंग हुई होगी, बहुत रेनफॉल नहीं है, हैवी रेनफॉल, वो ये नहीं बताता है। इसलिए इसको बोलता है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेनफॉल, यानी कि किस टाइम पर बारिश की इंटेंसिटी का बिहेवियर कैसा है टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं बताता है। ये बस ये बताएगा कि टोटल 24 घंटे में या फिर 48 घंटे में जो भी टाइम है, उस टाइम स्पेन में टोटल बारिश इतनी हुई, उस बारिश की इंटेंसिटी क्या है, कब तेज है, कब धीमी है, कब कॉन्स्टेंट है, कब जीरो, नहीं बताता है। इसलिए इसको बोलता है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस। बात क्लियर है? तो अच्छा, अब हमें अगर रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस में कौन कौन से रेन गेजेस हैं। तीन तरह के रेन गेजेस देखने को मिलते हैं रिकॉर्डिंग टाइप में। पहला है वेइंग बकेट टाइप, वेइंग बकेट टाइप रेन गेजेस। वेइंग बकेट टाइप क्यों बोलते हैं, क्या प्रोसीजर है, सब समझ में आ जाएगा। देखो, वेइंग बकेट टाइप रेन गेजेस इज द मोस्ट कॉमन सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेजेस, मोस्ट कॉमनली है, यूज होता है। इट कंसिस्ट ऑफ रिसीवर बकेट, एक रिसीवर बकेट होता है ये, इसको रिसीवर बकेट कलेक्टर बकेट भी बोलते हैं, सपोर्टेड बाय द स्प्रिंग और लीवर बैलेंस सम अदर वेइंग। देखो, आप देखो कि ये बकेट है, नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है और ये मैकेनिज्म है पेन आर्म का, ये ड्रम है जिसके ऊपर की हमारा ग्राफ रखा हुआ है, ये ग्राफ पेपर है, ड्रम है, ये ड्रम जो होता है क्लॉकवाइज रोटेट करता है। मैं पूरा मैकेनिज्म समझा रहा हूँ आपको, ये ड्रम जो है क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और ये जो स्प्रिंग है इस पर यहाँ पे एक पेन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पेन लगाया जाएगा, पेन आर्म। ये पेन क्या करता है, ये इस तरह से रोटेट हो रहा होता है पेपर पूरी तरह से, और ये पेन इस पर रहा होता है, ठीक है। अब देखो समझना इस पूरे कॉन्सेप्ट को, काम कैसे करता है। जब रेनफॉल रहा होगा तो बारिश से पानी इसमें आएगा ये फनल से, और फनल से बकेट में आएगा। जैसे जैसे बारिश का पानी बकेट में आता जाएगा, ये बकेट उठता जाएगा, तो बकेट का जो वेट है वो बढ़ता जाएगा। बकेट का अगर वेट बढ़ेगा तो सोचो, बकेट का ये बकेट है, इसका वेट बढ़ रहा है, नीचे स्प्रिंग लगी हुई है, तो बकेट कहाँ नीचे जाने की कोशिश करेगा अपने वेट के कारण। बात समझ पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, ये स्प्रिंग लगी हुई है यहाँ पर, ये बकेट है, तो जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा, पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, वेट बढ़ता जाएगा, तो बकेट नीचे जाने की कोशिश करेगा। बकेट जब नीचे जाने की कोशिश करेगा, ड्रम रोटेट करा लगातार, ये पेन लगा हुआ है, तो जैसे ही ये पेन ऐसा है, बकेट जब नीचे आएगा, ये रोटेट कर रहा है, ये पेन यहाँ पे ये लगातार रोटेट कर रहा है, या पेन है, तो जैसे ही बकेट नीचे आएगा तो पेन भी क्या जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा, तो पेन नीचे की तरफ जाएगा और ये रोटेट कर रहा है और पेन नीचे जाएगा। कहने मतलब आप समझो इस चीज को, ये ड्रम है, ये रोटेट कर रहा है, पेन यहाँ पे था, फिर पेन धीरे धीरे यहाँ पे आ जाएगा, तो ऐसा कोई कर्व बनेगा नहीं। मतलब इस कर्व को अगर आप खोल दोगे तो देखो कर्व ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा कुछ, देखो खोल कर देखो, ये आपको कर्व देखने को मिल रहा है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फिर क्या होगा, धीरे 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 ये बकेट पूरा भर जाएगा, द मूवमेंट ऑफ बकेट इज ड्यू टू इंक्रीजिंग वेट ट्रांसमिटेड टू द पेन विच ट्रेसेस द रिकॉर्ड सम मार्किंग इन क्लॉकवाइज ड्रिवन पेंट। तो जो क्लॉकवाइज ड्रम घूम रहा है उस पर हमारे मार्क हमें देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? वेइंग बकेट टाइप रेन गेज इंस्ट्रूमेंट गिव्स ए प्लॉट ऑफ एक्युमुलेटेड इंक्रीज रेनफॉल अगेंस्ट द एलैप्स टाइम एंड कर्व इज फॉर्मड कॉल्ड मास कर्व। अब देखो होगा क्या, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और डिटेल से समझाऊं ताकि तुम्हें समझ आए। स्क्रीन देखो, ये कर्व था, ये ड्रम है, ड्रम रोटेट कर रहा है, ये पेन था, ठीक है, ये इस तरह से इस पर ग्राफ पर रहा होता है, ये ग्राफ है और ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज। इमेजिन करना, तो पहले पेन ये था, फिर धीरे धीरे पेन नीचे आया, तो ये इस तरह से रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी पेन पर। ट्रेस को खोल कर देखो, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल मुझे मिला कि नहीं मिला टाइम के साथ में, सपोज करो कि 5 मिनट में ये है, 10 मिनट में ये है, 15 मिनट में ये है, 20 मिनट में ये है, मिला कि नहीं मिला। सपोज करो कि ये रेनफॉल, मैं अज्यूम करूँ कि 20 mm है, ये 30 mm है, ये 40 mm है, ये 50 mm है और ये 60 mm है, ये एक्यूमुलेटेड मिला है मुझे, एक्यूमुलेटेड। मुझे अगर निकालना है कि स्टार्टिंग के 5 मिनट कितनी बारिश हुई, देखो 20 mm की बारिश हुई है 5 मिनट में, तो रेनफॉल इंटेंसिटी कितनी होगी, 20/5 यानी कि 4 mm पर मिनट, ये रेनफॉल इंटेंसिटी यानी है, मिला। अब मुझे अगले 5 मिनट निकालना है, तो देखो अगले 5 मिनट में कैसे निकालेंगे, 40 से 30 गया है, सॉरी मैंने ये गलती कर दी, 20 से 30 गया ना, 10 mm है, ठीक है, देखो 20 तो यही था ना स्टार्टिंग में, 20 सपोज करो कि 30 गया है, तो 20 से 30 गया मतलब 10 mm बढ़ा है, 10 mm का 5 मिनट में है, तो 20/5 कर देंगे। अगले 5 मिनट निकालोगे, 30 से 40 गया यानी कि कितना बारिश हुआ, 10 mm बारिश हुआ, 30 तो पहले था, अभी 40 हो गया, तो टोटल 10 mm बारिश हुआ,
5 मिनट में, तो हमने निकाल लिया कि 4 mm पर का टाइम है, इसको थोड़ा चेंज कर देता वरना ये थोड़ा ना रेनफॉल ऐसा होता नहीं है कभी भी, मैंने डेटा ऐसा लिया है। अगला सपोज करो कि 56 है, ये 40 है, तो टोटल 100 mm का बारिश है कितना टाइम में, 10 मिनट में, तो कितना हो जाएगा 16 mm डिवाइड बाई, यहाँ पे इसको कर दो 5 मिनट है, सॉरी 5 है, तो 16 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा, जो भी आएगा 3 point something आएगा mm पर मिनट। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, क्या हम रेनफॉल की इंटेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे, निकाल पा रहे। अच्छा ये कर्व जो बना है इसको बोलते हैं मास कर्व, रेनफॉल की इंटेंसिटी, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलते हैं मास कर्व। और जो रेनफॉल की इंटेंसिटी वो बताता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलते हैं हाइटोग्राफ, हाइटोग्राफ, ठीक है। अब इसको हम, ये जो एक्यूमुलेटेड रेनफॉल है इसको हम हाइटोग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है, यहाँ से सारे डेटा मिल सकते हैं। इसको मैं थोड़ा और क्लियरली बता देता हूँ, कर्व कैसे बनता है। सपोज करो कि ये हमारा कर्व कुछ इस तरह से स्टार्ट हुआ, ये ऐसा गया होगा, मान लो ये 5 मिनट है, 10 मिनट है, ये 15 मिनट है, 20 मिनट है। मैं एक आपको एक एग्जैक्टली बता दे रहा हूँ कि पूरी कहानी कैसे बनती है। सपोज करो कि 0 से स्टार्ट हुआ है, ये मान लो कि 3 mm है, ये 12 mm है, ये 28 mm है, यहाँ पे बारिश सपोज करो कि 46 mm है, ये आपके पास में डेटा है। अब आपको निकालना है रेनफॉल, आप क्या निकालोगे, रेनफॉल निकालोगे, रेनफॉल रेस्पेक्ट टाइम निकालोगे mm। तो देखो तो स्टार्टिंग के यहाँ से 5 मिनट में कितनी रेनफॉल हुई है, 12 माइनस ये टोटल स्टार्टिंग में टाइम में बारिश हुई है कितनी, 12 mm की, तो हमने लिख दी 12 mm, टोटल बारिश 12 mm हुई है कितने मिनट में, 5 मिनट में। क्लियर है, डेटा इधर उधर हो सकता है, मेरा पर्पज आपको समझाना है। डेटा हो सकता है कि ज़्यादा बारिश कम बारिश हो, कभी ये बहुत कम बारिश है, इतनी बारिश नहीं हो, ज़्यादा बारिश होती है। अगले 5 मिनट कितना हुआ, 12 से 28 गया, यानी कितनी बारिश हुई, 28 माइनस 12 कर देंगे तो आ जाएगा 16 mm 5 मिनट में। अगले हम डेटा देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 mm आ जाएगा, सॉरी 18 mm आ जाएगा 5 मिनट में। और हम आगे देखेंगे तो सपोज कर वैसे भी जा सकता है, देख सकते हैं ऐसे जाए तो, अगर देख सकते हैं तो ये कितना जाएगा, सपोज करो कि ये 48 mm हो रहा है, तो 2 mm बारिश हुई 5 मिनट में, ठीक है। और बाद में क्या है, कांस्टेंट है ये 25 पे, देखो तो 25 पे क्या कांस्टेंट है, 25 पे पेन कांस्टेंट है। देखो ये लाइन कांस्टेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब बारिश हुई है क्या भाई, जब बकेट ये लाइन कांस्टेंट आ रही है इसका मतलब, ये देखो कर्व जो पेन ऐसे घूम रहा है लगातार, तभी तो लाइन ऐसी आई होगी, पेन लगातार ऐसा घूम रहा है इसका मतलब क्या है कि पेन ना तो नीचे गया ना ऊपर गया है, पेन नीचे नहीं गया, क्यों, क्योंकि बकेट जो है उसमें कुछ ना कुछ पानी ही नहीं आया, यानी कि रेनफॉल ही नहीं हुआ। और इस चीज को हम यहाँ से समझ सकते हैं कि देखो उसके बाद भी 48 mm है, 48 mm बाद में है, तो यहाँ पे क्या है 0 mm बारिश है 5 मिनट में, यानी कि इस टाइम इस पे ना बारिश रुक गई है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, रेनफॉल कट करवा गया। अब इसको हम टोटल जोड़ दें, एक्यूमुलेटेड कर दें, तो मास कर्व हम निकाल सकते हैं, मास कर्व है, क्लियर है। अब इसको हमें हाइटोग्राफ निकालना, निकाल दो हाइटोग्राफ, कौन सी बड़ी बात है, तो टाइम है 5 मिनट के स्पैन में निकालना है, तो ये निकाल दो, थोड़ा क्लियर नहीं होगा कि समझ जाओगे, 5, 10, 15, 20 ये mm मान लो, mm पर मिनट का मैंने यहाँ पे रेस्पेक्ट टाइम लिया, ये टाइम हो गया। हाइटोग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, 12 mm है तो 12 mm प्लॉट कर दो, 5 मिनट 12 mm प्लॉट हो गया। फिर 16 mm बारिश हुई, 16 mm प्लॉट कर दो, 16 mm प्लॉट कर दिया। फिर 18 mm प्लॉट कर दो, 18 mm प्लॉट कर दिया। फिर 2 mm प्लॉट करना है, 2 mm प्लॉट कर दिया। फिर 0 mm प्लॉट करना है, 0 mm प्लॉट कर दिया। ये 5 मिनट है, 10 मिनट है, ये 15 मिनट है, 20 मिनट है, इसको वो क्या बोलते हैं, हाइटोग्राफ बोलते हैं, यहाँ से हाइटोग्राफ मिल जाएगा। अब समझ में आया इसको रिकॉर्डिंग क्यों बोला, हमने रेनफॉल की इंटेंसिटी को रिकॉर्ड कर लिया, तो हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि किस टाइम पर रेनफॉल की इंटेंसिटी ज़्यादा। देखो ना आप, ये देखो 5 मिनट, यानी कि कौन से मिनट पे, 10 मिनट, 10 से लेके 15 मिनट, जब बारिश स्टार्ट हुई ना उसके 10 से लेके 15 मिनट में बीच में मैक्सिमम बारिश की इंटेंसिटी थी। और अब इसको हम जोड़ भी सकते हैं कि 20 से लेके 25 मिनट में, देखो 5 मिनट का मतलब क्या, 5, 10, 15, 20, 20 से लेके 25 मिनट में बारिश हुई नहीं है। तो इसने हमें क्या बताया, इसने हमें बताया कि रेनफॉल की इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम का वेरिएशन कैसा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग टाइप। वेइंग बकेट क्यों बोला, क्योंकि इसमें जो बकेट है उसके वेट से रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए इसको वेइंग बकेट बोल दिया। क्लियर सारी कहानी, तो आपको क्लियर हो गई होगी सारी कहानी। आगे बढ़ते हैं, टिपिंग बकेट टाइप। देखो होता क्या है,
यहाँ पे टिप लगी हुई है और ये इस तरह से मैकेनिज्म है। पहले लोग समझ लेते हैं, इट इज अ 30 सेंटीमीटर साइज सर्कुलर रेन गेज अडोप्टेड बाई यूएस वेदर ब्यूरो। तो यूएस वेदर ब्यूरो इसको अडोप्ट करता है। इसका जो डायमीटर है, इसका जो साइज है, इसका वो 30 सेंटीमीटर डायमीटर रहा होता है रिसीवर का, ठीक है। अगला यही है कि अब ये देखो, ये पेन है, दो पेन लगे हुए हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक बार में 0.25 mm का प्रेसिपिटेशन आता है, इसमें लिखा भी होगा ये रहा, ठीक है। बारिश हो रही है, पानी भर रहा है, स्टार्टिंग कोई पानी नहीं है, धीरे धीरे पानी बड़ा 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 बढ़ गया। अब जैसे ये 0.25 mm हो जाएगा, कॉमन सेंस लगाओ, इसका वेट बढ़ाएगा, वेट बढ़ रहा है स्टेप से, तो क्या होगा, मोमेंट लगाएगा कुछ ना कुछ, तो ये क्या करेगा, ये टिप लगी होती है ऐसे है, पानी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, जैसे 0.25 mm हो जाएगा, इतना पानी बढ़ गया कि रोटेट कर जाएगा। तो सडनली क्या हो जाएगा, रोटेट कर जाएगा। यहाँ पे कैलिब्रेशन लगा हुआ है, कैलिब्रेशन स्क्रू है ये, तो इसको जैसे टकराएगा, इस पर जैसे मैट होगा, हमें पता लग जाएगा कि ये एक बार खाली हो चुका है, क्लियर सारी कहानी। और वो टाइम को हम नोट कर लेंगे। फिर ये क्या होगा, बकेट ये इधर तरफ आ जाएगा, फिर इधर तरफ जो बकेट है वो पानी के कॉन्टेक्ट में आ गया। ये पानी जो है ना, देखो अभी ये पानी है ना, पानी इसमें जा रहा है, समझ रहे हो ना, ये पानी इसमें जा रहा है। अब जैसे ही ये ऐसा स्विच कर जाएगा, तो पानी इस वाले जगह पर, इस वाले सेक्शन में आना स्टार्ट हो जाएगा ना, समझ रहे हो बात को, क्योंकि टिप कर गया है, तो पानी इस वाले सेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे जैसे 0.25 mm होगा, ये वापस रोटेट कर जाएगा। तो आप ये मुझे बताओ कि 0.25 mm का पेनिट्रेशन सपोज करो कि यहाँ पे हुआ 3 मिनट में, अगला 0.25 mm का पेनिट्रेशन हुआ सपोज करो कि 8 मिनट में, अगला 0.25 mm का पेनिट्रेशन हुआ सपोज करो कि 2 मिनट में, तो इससे हम एक्यूमुलेटेड रेनफॉल निकाल सकते हैं, 0.25, 0.5, 0.75, सब इधर टाइम है, इधर एक्यूमुलेटेड रेनफॉल है, तो क्या हम रेनफॉल की इंटेंसिटी बता सकते हैं, अभी से बता सकते हैं। अब देखो इसको इससे डिवाइड कर दो, आपको रेनफॉल की इंटेंसिटी देखने को मिल जाएगा हर एक टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इसने क्या किया है, इसने टिपिंग के जो टिपिंग है, रोटेशन जो हो रहा है टिप के अबाउट में, इसने जो बकेट है वो टिपिंग है, यानी कि रोटेट कर रही है, तो बकेट के टिपिंग ने हमें रिकॉर्डिंग दिया रेनफॉल का, इसलिए इसको क्या बोला, टिपिंग बकेट टाइप रेन गेजेस, क्योंकि ये रेनफॉल की इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें रिकॉर्ड करके देता है, इसलिए इसको बोला रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस। सारे सारे कहानी क्लियर है। दो डेटा याद रखना है, पहला तो इसका जो साइज है वो 30 सेंटीमीटर डायमीटर होता है ये, और दूसरा 0.25 mm का पेनिट्रेशन एक बार में रिकॉर्ड करता है, इतना पानी हो जाएगा उसका वजन बढ़ जाएगा, वो रोटेट कर जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं एक बार, आगे बढ़ते हैं। फ्लोटिंग और नेचुरल साइफन टाइप रेन गेजेस। देखो फ्लोटिंग में क्या होता है, इसमें साइफनिंग एक्शन पिक्चर में आता है। क्या साइफन एक्शन होता है, देखो पहले मैं इसको समझा देता हूँ, फिर हम इसको थ्योरी को एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पर ये ड्रम है, ये ड्रम रहा, और ये पेन लगा होता है, ये पेन है, रोटेट क्लॉकवाइज ही करेगा, जैसे जैसे पानी आएगी फनल से पानी इसमें बढ़ता जाएगा। एक फ्लॉट है, फ्लॉट मतलब बहुत, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत कम है, बहुत हल्का मटेरियल कोई है, उसका एक मटेरियल बना हुआ है शाफ्ट का, जिससे कि पेन अटैच्ड है। पानी इसमें जाएगा तो अभी से बात क्या होगा, ये सपोज करो कि ये हमारे पास ये फ्लॉट है, ये पूरा खाली पड़ा हुआ, ये बकेट है, इसमें फ्लॉट है, पानी गया तो क्या होगा, फ्लॉट ऊपर जाएगा, क्योंकि फ्लॉट हल्का है, पानी भारी है। फिर और पानी आएगा तो फ्लॉट ऊपर जाएगा, फिर फ्लॉट ऊपर जाएगा, फिर फ्लॉट और ऊपर जाएगा, फ्लॉट इसी तरह फ्लॉट बोलते हैं उसको, फ्लॉट मतलब तैरता है। तो ये फ्लॉट क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा तो जैसे इस पर पेन लगा हुआ है, ये ड्रम है रोटेट कर रहा है, ग्राफ पेपर लगा हुआ है ड्रम के ऊपर, जैसे ही ऊपर गया तो और ऊपर चला गया, तो ग्राफ पेपर के साथ पेन ऊपर चला गया, रिकॉर्डिंग चला गया, और ऊपर चला गया रिकॉर्डिंग, और ऊपर चला गया, और ऊपर चला गया, और ऊपर चला गया। तो हमें क्या मिलेगा, हमें लगातार रेनफॉल का डाटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम मिलता जा रहा है, क्लियर हो रही सारी कहानी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फ्लॉट बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, और उसके साथ में क्या होगा कि ये मैक्सिमम पानी यहाँ पे बढ़ जाएगा, इस मैक्सिमम पानी के कारण क्या होगा, साइफनिंग एक्शन पिक्चर में आएगा, और उसके कारण क्या होगा, सारा पानी इस साइफन एक्शन से बाहर निकल जाएगा, और फिर ये फ्लॉट जो है पूरा नीचे तरफ आ जाएगा। तो होगा क्या कि अगर आप देखोगे इसके कर्व को, तो कर्व ऐसा मिलेगा इसको, ये मिला, ये चला, लगातार चला, फ्लॉट पीक पर आ गया ऊपर, सडन ड्रॉप मिलेगा आपको, ठीक है, फिर वापस से ऊपर जाएगा, फिर सडन ड्रॉप मिलेगा, नीचे पेन एकदम से नीचे जाएगा, सडन वर्टिकल लाइन मिलेगी आपको, ठीक है, फिर ऊपर जाएगा। तो आपके पास ये टाइम आपको पता है, सपोज करो कि 8 मिनट है, ये 12 मिनट है, ये 6 मिनट है, आपको पता है कि 8 मिनट में टोटल इतना रेनफॉल हुआ, अगले 12 मिनट में इतना रेनफॉल हुआ, अगले 6 मिनट में इतना रेनफॉल हुआ, तो रेनफॉल कितना हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको पता चल जाता है, इससे उसको क्या बोलते हैं, और ग्राफ पेपर पे है आपको पता लग जाए, ये भी पता लगा सकते हो कि किस टाइम पर, किस सेकंड पर ज्यादा है, किस पर कम भी है, क्योंकि हर एक सेकंड का आपके पास ग्राफ है, बात समझ रहे ना, ये 0 से 8 का है,
आपके पास हर एक टाइम का ग्राफ है कि नहीं, कि इस टाइम पर कितना रेनफॉल है, इस पर कितना है, इस पर रेनफॉल इंटेंसिटी कितना है, हर एक टाइम पर आप रेनफॉल का इंटेंसिटी डिकोड कर सकते हो। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग और नेचुरल साइफन रेन गेजेस। क्यों फ्लोटिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें फ्लोटिंग हो जाता है। साइफन क्यों बोलते हैं, क्योंकि फ्लोट जब ऊपर जाता है पानी अपने वेट के कारण एयर वेंट में सक्रुशन हो जाता है और पानी बाहर निकल जाता है, इसको बोलते हैं साइफनिंग एक्शन बोलते हैं, इसे इसको साइफन रेन गेजेस नाम दिया। अच्छा, इसको स्टैंडर्ड रेन गेज भी बोलते हैं, इंडिया में इसी को अडॉप्ट करते हैं, इसलिए इसको स्टैंडर्ड रेन गेजेस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि पानी अपने आप निकलता रहा होता है, पानी का जो है हमें टेंशन नहीं होता है कि पानी का आउटफ्लो क्या है क्या नहीं, अपने बेड से बाहर निकल रहा होता है, हर जगह इसको प्रीफर करते हैं, इसलिए इसको स्टैंडर्ड रेन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस बोल दे रहे होते हैं। देखो, द वर्किंग ऑफ द टाइप ऑफ रेन गेज इज सिमिलर टू वेइंग बकेट टाइप रेन गेजेस। जैसा वेइंग बकेट है वैसे मैकेनिज्म है, उसमें क्या होता है कि बकेट के नीचे आने का स्प्रिंग नीचे प्रेस कर रहा होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जब पानी बढ़ता है तो फ्लोट ऊपर जा रहा होता है, लेकिन मैकेनिज्म सेम है। फनल रिसीव द वाटर व्हिच इज कलेक्टेड एट रेक्टेंगुलर कंटेनर। तो ये देखो, ये हमारा फनल है, ये हमारा रेक्टेंगुलर कंटेनर है, इसमें पानी जो फनल से हमारा निकल रहा होता है, फनल से पानी इसमें आ रहा होता है। फनल इज फ्लोट इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर एंड इट फ्लोट राइजेस एज द वाटर लेवल राइजेस इन द कंटेनर। जैसे जैसे कंटेनर पानी का लेवल राइज होता है, फ्लोट का लेवल भी राइज होता होता है। इट्स मूवमेंट बीन रिकॉर्डेड बाय अ पेन मूविंग और रिकॉर्डिंग ड्रम रोटेटेड क्लॉक। तो इस पे पेन पेपर लगा होता है, उस पर ग्राफ रहा होता है, उसके क्लॉकवाइज रोटेट होने के साथ साथ इसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ट्रेस कर लिया जाता है। व्हेन वाटर राइजेस, जैसे जैसे पानी बढ़ता है, द फ्लोट रीचेज टू द टॉप फ्लोटिंग लेवल व्हेन साइफन एक्शन कम इनटू द प्रोसेस एंड रिलीज द वाटर आउटवर्ड थ्रू द कनेक्टिंग पाइप। ये कनेक्टिंग पाइप है, इसके थ्रू जो पानी है इसमें आता है और सेक्शन पानी सारा निकल जाता है। थस वाटर इज बॉक्स इज ड्रेन आउट। The rain is adopted as a standard rain gauge recording in India. इसको standard rain gauge भी बोलते हैं। तो floating type बोल दो, natural siphoning action बोल दो, standard type rain gauge बोल दो, एक ही बात है। और curve drawn using is called mass curve rainfall. मैंने पहले explain कर दिया कि mass curve क्या होता है और hydrograph क्या होता है और किस तरह से इसको plot करते हैं, मैंने सारी explain कर दिया है इसके लिए। वो सारी कहानी इसमें भी same. Clear है सारी कहानी? तो ये हमारा question हो गया। अब आप पास question पे लौट जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है? वो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा रेन गेजेस है जो कि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल को निभाता है। तो क्या है साइमन रेन गेजेस? अब तो बिल्कुल इतनी क्लियर पिक्चर हो चुकी है आपकी, आप तो ये समझ सकते हैं कि क्या क्या कहानी बताते हैं। फ्लोट टाइप में क्या होता है, फ्लोटिंग है, ठीक है, इसको नेचुरल साइफन भी बोलते हैं और इसको स्टैंडर्ड रेन गेज बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो एक क्वेश्चन के साथ आपके 10-10, 15-15 क्वेश्चन कवर अप हो रहे हैं। साइमन रेन गेजेस पढ़ लिया, 127 डायमीटर कॉमन है, बेस जो होता है 210 का डायमीटर होता है वो कॉमन है। अगर कुछ भी डाउट है तो वीडियो को पीछे करके रिकॉर्डिंग सेशन है आप देख सकते हैं, ठीक है, कि डेटा को सारी क्या। और एक चीज को मैंने हाईलाइट किया है, बहुत ही पिक्चर टू द पॉइंट पीपीटी को दिखाया है आपको, कुछ भी डाउट रेफर ही नहीं करना, सारी पिक्चर सब कुछ इसमें इनकॉर्पोरेटेड है। अगला है वेइंग बकेट टाइप रेन गेजेस, अपने बकेट वेग के कारण जो होता है इसमें होता है। अगला टिपिंग बकेट टाइप, इसमें 0.25 mm का एक डेटा है वो याद रखना है, 0.2 mm का प्रेसिपिटेशन रिकॉर्ड करता है। और साइज देखोगे 30 cm होता है शार्प टेस्ट का, इसका वो इसमें एक इंक्लूडेड है। टिपिंग बकेट होता है, रोटेट करता रहता है, ठीक है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो ये इसमें रेन गेजेस है। तो उसे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा, उसको तो हम ऐसे आंसर कर सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द सैंक्शन एस्टिमेट एक्सीड द 5% ड्यू टू द रेट्स बीइंग फाउंड इनसफिशिएंट और ड्यू टू सम अदर रीजन, द फ्रेश एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड व्हिच इज कॉल्ड। जब हमने एक एस्टिमेट बनाया, एस्टिमेट तैयार किया और सपोज करो कि कुछ कारणों की वजह से उसका रेट 5% या उससे ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसके केस में हमें क्या बनाना पड़ता है? उसके केस में हमें रिवाइज एस्टीमेट बनाना पड़ता है, ठीक है। अब पूछना है एस्टीमेट का, तो हमें रिवाइज एस्टीमेट नहीं, हमें सारे एस्टीमेट को देखना है कि सारे एस्टीमेट कौन कौन से टाइप के एस्टीमेट है, उनके फंक्शन क्या है। देखो, पहला है प्रिमली कॉस्ट एस्टीमेट। प्रिमली कॉस्ट एस्टीमेट क्या होता है, जो सबसे पहले बनाते हैं, सबको प्रिमली कॉस्ट एस्टीमेट बोलते हैं। तो ये क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट एस्टीमेट होता है और अप्रोक्सीमेट कॉस्ट एस्टीमेट भी इसको बोलते हैं, और बजट एस्टीमेट कुछ ही बोल दो, एक ही बात है। तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट एस्टीमेट बोल दो, बजट बोल दो, एब्स्ट्रैक्ट बोल दो। प्रिमली सबसे पहले इसको तैयार करते हैं, रफ रफ आइडिया लगाते हैं अपने एक्सपीरियंस के भी आप पर। जैसे कि सपोज करो कि हमने एक कंस्ट्रक्शन बनाया होगा कहीं पर 3 मंजिल का, उसका कॉस्ट तो हमने देखा कि लगभग लगभग एक फ्लोर का कॉस्ट आता है लगभग लगभग 80 लाख रुपए। तो 3 फ्लोर बनाना है तो उसका हमारा कॉस्ट लगभग लगभग 240 लाख रुपए का आसपास बना था। अब हमें एक आइडिया दिया गया कि ऑन एन एवरेज सेम टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा, उसमें ये चीजें लगेंगी, ये इतना साइज होगा, ये होगा, ये होगा, 2 मंजिल का फ्रेम बनाना है, तो हम बोल देंगे 80-80, 160 हो गया, तो हम बोल देंगे लगभग लगभग 180 लाख के आसपास का कॉस्ट आएगा। तो एक रफ आइडिया है, और उनका हम एनालिसिस भी कर लेंगे कि इतना लैंड है, इतनी चीजें, इतने हाइट है, इतना मेटल लग रहा है, ये कॉस्ट, लेबर कॉस्ट ये है, तो एक रफ फास्ट लगता है, रफ आइडिया लग जाता है, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट कॉस्ट एनालिसिस। तो इस एस्टिमेट को बोलते हैं, दिस एस्टिमेट इज जनरली प्रिपेयर्ड इन द इनिशियल स्टेजेस टू नो द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट।
जो प्रोजेक्ट बना नहीं है उससे पहले इसको प्रिपेयर करते हैं कि एग्जैक्टली कॉस्ट क्या आ सकती है हमारे प्रोजेक्ट की। इन दिस एस्टिमेट द कंपोनेंट सेक्शनिंग अथॉरिटी कैन डिसाइड द फाइनेंशियल पोजिशन एंड पॉलिसी फॉर द एस्टिमेट सेक्शन। ये जो एस्टिमेट होता है ये हम इसलिए बना रहे होते हैं ताकि हम जब टेंडरिंग करेंगे, टेंडर निकला हमें टेंडर देना है तो हमें पता लगे हम टेंडर कितने रुपए का भरेंगे भाई, हमारा कॉस्ट कितना लगेगा। सपोज करो कि 180 लाख का कॉस्ट आ रहा है, लगभग लगभग 160 लाख रुपए लगा था ऐसी बिल्डिंग जब बनी थी, तो हम क्या करेंगे, हम बिडिंग कर देंगे 185 लाख का, 185 लाख हमारा सेक्शन लगेगा। तो हमने क्या किया, एक रफ आइडिया तो देना चाहिए ना कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है कि नहीं है, टेंडरिंग में डाल दिया 185 लाख की हम बिड कर रहे हैं, आपने अपनी बिडिंग डाल दिया इसी के बिहाफ पर, क्योंकि आपको पीछे के काम पर या फिर रफ रफ आइडिया लगाकर, अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाकर यह अंदाजा है कि इस सेक्शन का कॉस्ट कितना निकलने वाला है। प्रीमली एस्टिमेट आर प्रिपेयर्ड विद रेफरेंस टू द कॉस्ट ऑफ सिमिलर टाइप प्रोजेक्ट। मैंने बोला ना कि ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट को आपने किया होगा कभी ना कभी अपनी लाइफ में, तो सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट का कितना कॉस्ट आया था उसी के बिहाफ पर अपना एनालिसिस करते हैं कि इसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट इतना आ सकता है, उसके बिहाफ पर आप अपनी जो है बिडिंग कर देते हैं। इन दिस एस्टिमेट द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ईच इंपॉर्टेंट वर्क इज डिस्प्लेड इंडिविजुअली टू नो द नेसेसिटी एंड यूटिलिटी ऑफ द वर्क। अप्रोक्सीमेट कॉस्ट लगती है, जैसे कि बोल देंगे कि ब्रिक का कॉस्ट लगेगा, ब्रिकवर्क का कॉस्ट लगेगा, सीमेंट कितने लगेंगे, या फिर एग्रीगेट का इतना लगेगा, या फिर जो भी लेबर कॉस्ट है वो इतना लगेगा, बाकी कॉस्ट जो है वो हम लगा देंगे, एक्सेप्टिव कॉस्ट इतना है, कंटिजेंसी चार्जेस वगैरह ये सब कुछ लगाकर, इलेक्ट्रिफिकेशन का चार्जेस ये सब कुछ आप उसमें लिखोगे रफ रफ आईडी लगाकर और बोल दोगे कि इतना पैसा बनता है। तो ये उसने बोला है कि हर एक इंडिविजुअली जो भी आइटम ऑफ वर्क है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे और नेसेसिटी बताएंगे उस आइटम ऑफ वर्क की कितनी है। वही है कि इसमें क्या इंक्लूड होगा, कॉस्ट ऑफ लैंड, लैंड का कॉस्ट क्या है, रोड्स का कॉस्ट कितना है, इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह कितना है, वाटर सप्लाई कॉस्ट क्या है, एक एक बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो हर एक फ्लोर का बिल्डिंग का कॉस्ट कितना है, वो सब इंक्लूड कर देंगे वर्क में और हम इसको प्रेजेंट कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, प्रीमली कॉस्ट एस्टिमेट हो गया। अगला है प्लिंथ एरिया कॉस्ट एस्टिमेट। अब प्लिंथ एरिया कॉस्ट एस्टिमेट में क्या होता है कि हम ये बताएंगे हमारा ये प्लिंथ एरिया का, सपोज करो कि इसका मीटर का रेट इतना है, सपोज करो कि 100 रुपये है, 100 रुपये स्क्वायर मीटर है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उतना नहीं होता है, 1500 2000 2500 के आसपास होता है, 100 रुपये है, टोटल जो एरिया है वो 5000 है स्क्वायर मीटर, 5000 इंटू हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा, क्लियर है। तो हमने क्या किया इसमें, जो प्लिंथ एरिया का यूनिट रेट है उसको टोटल प्लिंथ एरिया के रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा, समझते हैं। प्लिंथ एरिया कॉस्ट एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग विच इज एरिया कवर्ड बाय एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग एट द फ्लोर लेवल। तो फ्लोर लेवल पर जितना भी एरिया एक्सटर्नल डायमेंशन से कवर अप हो रहा है उसके बिहाफ पर हम एक प्लिंथ एरिया कॉस्ट एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं। एंड प्लिंथ एरिया रेट ऑफ बिल्डिंग विच इज कॉस्ट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग सफिशियंटली इन द लोकेलिटी। अब देखो यूज कैसे करते हैं, कहीं समझ में नहीं आएगी, समझ में आ जाएगी एग्जाम्पल से। सपोज करो कि हमें एक 200 स्क्वायर मीटर का प्लिंथ एरिया का एस्टिमेट करना है और हमारा जो रेट है वो 2000 रुपए पर स्क्वायर मीटर ऑफ प्लिंथ एरिया है, ठीक है, तो हमें बताना है कि टोटल कॉस्ट कितना रहा होगा भाई, 2000 रुपए लगते हैं पर स्क्वायर मीटर पर, ठीक है, टोटल कितना है 200 स्क्वायर मीटर, तो 2000 इंटू 200 कितना जाएगा, 4 लाख निकल जाएगा, तो हम कह देंगे 4 लाख रुपए लगने वाले हैं, ये हमारे रफ रफ एस्टिमेट निकल के आ गए, क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट चीज है प्लिंथ एरिया में कि जो ओपन एरियाज हैं, कोर्ट यार्ड हैं, वो प्लिंथ एरिया में इंक्लूडेड नहीं होते है? तो अगर ये इनका एनालिसिस करना है तो इनका कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं होगा जो हम प्लिंथ एरिया निकाल लेंगे, कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे। तो हमें एक चीज तो क्लियर होगी, जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है या प्रीमली एस्टिमेट है उससे ज्यादा कहीं एक्यूरेट है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, है कि नहीं है, क्योंकि हम इसमें प्लिंथ एरिया को एस्टिमेशन कर रहे हैं और उसका रेट लगा रहे हैं। अगला है क्यूब रेट एस्टिमेट, क्यूब रेट कॉस्ट एस्टिमेट। ये क्या है, देखो क्यूब रेट में हमने क्या किया है कि क्यूबिकल रेट निकाल रहे हैं। क्यूबिकल का मतलब क्या है, प्लिंथ एरिया तो हो गया, साथ साथ में हाइट भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि प्लिंथ एरिया साथ में हम वॉल की जो हाइट है वो भी इंक्लूड कर देंगे, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट क्यूब आ गया। अब इसमें हम वॉल्यूम के टर्म में बात करते हैं, क्यूब रेट कॉस्टिमेट ऑफ द बिल्डिंग इज आफ्टर मल्टीप्लाइंग द प्लिंथ एरिया विद रेस्पेक्ट टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो प्लिंथ एरिया को हाइट ऑफ द बिल्डिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमें क्यूब रेट देखने को मिल जाएगा सेक्शन। हाइट ऑफ द बिल्डिंग शुड बी कंसिडर्ड फ्रॉम फ्लोर लेवल टू द टॉप लेवल ऑफ द बिल्डिंग। तो फ्लोर लेवल से लेकर टॉप लेवल तक जितनी हाइट है उसको इंक्लूड कर देते हैं। इज मोस्ट सुटेबल फॉर द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इसमें बहुत हेल्पफुल है क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सपोज 20 मंजिल की है, उसमें हम प्लिंथ एरिया निकाला, हाइट में निकाला, टोटल कॉस्ट निकल के आ गया, जल्दी से कैलकुलेशन हो जाता है। बाकी हम और ही मेथड देखेंगे, हालत खराब हो जाएगी अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कैलकुलेट करना है। दिस एस्टिमेट, अच्छा इसमें हमने क्या किया, लेंथ में निकाला, विड्थ में निकाला, साथ साथ में हाइट को भी इंक्लूड कर दिया, तो क्या ये एरिया से ज्यादा एक्यूरेट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि इसमें बिल्डिंग की हाइट भी आ गई
तो ये लिखा है कि इट्स एक्यूरेट देन द प्लिंथ मेथड, तो प्लिंथ एरिया से भी ज्यादा एक्यूरेट मेथड है क्यूब रेट एस्टीमेट मेथड। इसमें क्या करेंगे, रेट पर क्यूब मीटर इज इक्वल टू कंसीडर काउंट एंड कॉस्ट इज द इक्वेशन। क्लियर है, हमने देख लिया कि सपोज करो कि वही ₹2000 पर क्यूब का हमारा रेट है, टोटल जो क्यूबिकल एरिया है वो सपोज करो कि 500 आ रहा है, 500 हमारा टोटल क्यूबिकल एरिया, टोटल कॉस्ट कितना जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 500 × 2000, जो भी रुपए निकल के आएंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, कॉस्ट निकल के जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि फाउंडेशन एंड पैरापेट द फ्लोर लेवल जो है वो इसमें कंसिडर नहीं होते। क्लियर है, फाउंडेशन प्लिंथ और पैरापेट, देखो सारी जो टर्म्स है ना, सारी जो पॉइंट है ये सब इंपॉर्टेंट है। ये केवल मतलब नहीं कि क्वेश्चन आया उसका आंसर बी आगे बढ़े, उसका आंसर सी आगे बढ़े, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको ये सारी कहानी क्लियर है, अब जो मर्जी वो क्वेश्चन बना के पूछ ले, सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलो। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट, इसमें क्या करते हैं, ऑब्वियस बात है सब चीजों का सारी क्वांटिटीज का पर रन मीटर पर अप्रोक्सीमेट रन अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कर लेते हैं कि अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितना आएगा। सपोज करो कि ये हमारी बिल्डिंग है, हमें निकालेंगे कि पर मीटर पर टोटल कॉस्ट कितना आएगा सब चीजों का, एग्रीगेट का, सैंड का, लेबर का, सीमेंट का, वाटर का, जो भी लगने वाला है, हम बता देंगे भाई 1 मीटर का ऑलमोस्ट जो रनिंग मीटर में कॉस्ट है वो इतना है। अब बता दो आपको टोटल कितना काम करवाना है, इतना काम करवाना, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक हमें जो है अप्रोक्सीमेट आइडिया मिल जाएगा। इसलिए इसका अप्रोक्सीमेट बोला है ना, क्योंकि जरूर थोड़ी कि हर बार ऐसा ही रहा होगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। अगला है रेट पर रनिंग मीटर इज कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फाउंडेशन रेट अलग रहा होगा, सुपरस्ट्रक्चर रेट अलग, वो तो ऑब्वियस बात है। फाउंडेशन आप जाओगे तो एक्सकेवेशन रहा होगा, लेबर कवर का लगा, मशीन वगैरह आपका यूज रहा होगा, उनका चार्जेज अलग रहा होगा, तो उसका रेट अलग है। सुपरस्ट्रक्चर में आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और लेबर का कॉस्ट अलग रहा होगा, वहाँ पर एक्सकेवेशन मशीन वगैरह को उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहाँ का चार्जेज अलग है। या फिर मशीन भी चाहिए होगा तो क्या हुआ, ट्रांजिशन मिक्सचर चाहिए होगा तो आपको कॉन्क्रीट लेवल पर लेकर जाएगा, उसका चार्ज अलग है बजाय जेसीबी के एक्सकेवेशन के चार्ज से। तो फाउंडेशन का चार्जेस अलग है, सुपरस्ट्रक्चर का चार्जेस अलग है, लेकिन रनिंग मीटर में रफ रफ आइडिया लगा देता है कि आपका टोटल कॉस्ट कितना आने वाला है, उसका इंक्लूडेड कर देता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इन केस ऑफ सुपरस्ट्रक्चर क्वांटिटीज लाइक ब्रिक वर्क ऑफ द वॉल, वुड वर्क, फ्लोर फिनिशिंग आर कंसिडर फॉर डिसाइडिंग। तो आपने कितना ब्रिक वॉल किया है, कितना आपका वुड वर्क हुआ, फ्लोर फिनिशिंग कितना है, टाइल वगैरह कितनी लग रही है, वो सब चार्जेस आप इंक्लूड कर देंगे, उसके व्यापार पर रनिंग मीटर का कॉस्ट निकलेगा, आपको टोटल कितना काम करवाना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको टोटल रफ रफ अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकल के आ जाएगा। इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। अगर डिटेल्ड कॉस्ट में, देखो डिटेल क्यों बोला है, हर एक चीज का डिटेलिंग आपको देना है, इसलिए इसको डिटेल्ड बोला है। क्या डिटेलिंग करना है, डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अप्रूव्ड द प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। देखो आपको काम करवाना है, आप एक कंप्यूटर अथॉरिटी है, आपने टेंडर निकाला, आपने टेंडर निकाला तो आपने देखा कि टेंडर निकला हुआ है। अब मैं एक कॉन्ट्रेक्टर हूँ, मैंने अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाया अपनी कितना रेट निकलने वाला है, मैंने 185 लाख रुपए का सेंक्शन कर दिया कि बिडिंग लगा दी, मैं इतना दूंगा, बाकी और कॉन्ट्रेक्टर लगाया होगा। अब क्या होगा, जो अथॉरिटी वो एक्सेप्ट करेगी टेंडर को, वो भी देखेगी कि जो कॉन्ट्रेक्टर उसका पास में रिकॉर्ड कैसा है, टेंडिंग अमाउंट कौन सा कम है, उसका क्वालिटी ऊपर क्या है, उसका जो नेचर है, जो उसका बिहेवियर है, जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, उसने काम पूरे किए कि नहीं किए, उसको चेक करके मालूम मुझे टेंडर मिल गया। अब मुझे जो टेंडर मिल गया ना, अब क्या मैं 185 लाख रुपए को ही फाइनल टेंडरिंग अमाउंट मालूंगा, नहीं, वो मैंने तो एक अप्रोक्सीमेट मोटा मोटा एक एस्टिमेट बताया था, एक्जैक्ट पैसा कितना लगने वाला है वो तो मैं आप कैलकुलेट करूंगा। क्या मुझे बताओ कि क्या क्या काम करवाना है, कितना लेंथ है, कितना डायमेंशन, कितना विड्थ है, कितनी फ्लोर फिनिशिंग होगी, आपको कब तक स्ट्रक्चर को रेडी चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या एडिशनल इसमें काम करवाना है, सब कुछ मुझे पता लगेगा। अब मैं सिरे वार से तरीके से लेके एक से लेके एंड तक अब एक एक चीज को एस्टिमेट करके तैयार करूंगा। तो अब मैं क्या रेडी करूंगा, अब मैं डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट प्रिपेयर करूंगा। तो देखो क्वेश्चन लिखा है डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अप्रूव द प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। मेरा प्रीलिमिनरी एस्टिमेट जो था अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट वो अप्रूव हो चुका है, तो अब मुझे डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। दिस इज वेरी एक्यूरेट टाइप ऑफ एस्टिमेट, ऑब्वियस बात है, जब मैं हर एक क्वांटिटी कितनी लगने वाली है हर एक चीज पर मैटर करूंगा और उसकी रेट को लिखूंगा और टोटल कॉस्ट को निकाल के चाहूंगा, सबसे एक्यूरेट यही है, वेस्टिंग होगी नहीं ना इसमें। आप हर एक रनिंग मीटर का एस्टिमेट कर रहे हैं, अब एक रनिंग मीटर में जरूर थोड़ी कि हर एक जगह ब्रिक वॉल लगी होगी, हर एक जगह टाइल्स होगी, कहीं पर टाइल्स होगी कहीं पर नहीं होगी, तो आप ओवर एस्टिमेट भी कर सकते हैं, अंडर एस्टिमेट भी कर सकते हैं, जरूर थोड़ी है, लेकिन ये एक्यूरेट है। आगे क्या कह रहा है कि रेट ऑफ डिफरेंट आइटम आर प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू करंट वर्केबल रेट एंड टोटल एस्टिमेट इज प्रोवाइडेड। तो हम ये लिख देंगे भाई सैंड है, टोटल सैंड इतना लगने वाला है, रेट इतना है, ठीक है, एग्रीगेट लगने वाला है इतना, इतना क्यूबिक एग्रीगेट लगने वाला है, एग्रीगेट का रेट इतना है, जो भी टन है, वेट, जो भी कुछ है, टोटल निकाला, टोटल कॉस्ट निकाल दिया, उसमें फिर बाकी की कॉस्ट ऐड कर देंगे, जैसे कंटिजेंसी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर सेक्शन लिखा है 3-5% जो है कंटिजेंसीज और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को जोड़ देंगे। मान लो कुछ इमरजेंसी आ गई, तो फ्लड आ गया, तो अर्थक्वेक आ गया, तो कुछ हमें सुपर स्पेसिफिक साइट विजिट के लिए एक्सपर्ट को बुलाना पड़ गया, तो
उसके लिए कुछ 5-10% एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, एक एस्टिमेट तैयार हो जाता है, उसको बोल देते हैं डिटेल एस्टिमेट। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, रिपोर्ट होता है, जनरल स्पेसिफिकेशन होता है, डिटेल स्पेसिफिकेशन होता है, ड्राइंग होती है, डिजाइन होती है, शेड्यूल ऑफ रेट होती है, ये सब इसमें इंक्लूडेड रहा होता है, ये डिटेल एस्टिमेट है। अगला सकता है रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट, जो क्वेश्चन ने पूछा था। तो रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट क्या है कि हमने जो डिटेल एस्टिमेट बनाया, रिपीट किया ओरिजिनल सेक्शन अमाउंट से, अब अगर ये 5% ज़्यादा भी एक्सीड कर जाता है, जैसे हमने क्या किया, पहले तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बना दिया 185 लाख का हो गया, अब हमने डिटेल एस्टिमेट बनाया, सपोज को डिटेल एस्टिमेट हमारा बना 200 लाख, लेकिन डिटेल अब क्या हुआ कि अब जब डिटेल बन रहा है, डिटेल कल के कल तो बन नहीं जाएगा, डिटेल बना, सपोज करो कि मेटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है, लेबर अवेलेबल, यहाँ आपको बाहर से लेबर बुलाना पड़ रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, मान लो फ्यूल का चार्जेस बढ़ गया सडनली, अभी सपोज करो कि 80 रुपये लीटर है डीजल, बाद में 110 रुपये पर लीटर डीजल हो गया, और बोलेगा कि अब आपको मशीन चलवानी है तो पहले आपको सपोज करो कि 1000 रुपये घंटे देना पड़ता था, अभी 1200 रुपये घंटे देना पड़ेगा, जो भी कुछ है, तो आपका कॉस्ट बढ़ गया। आप 200 लाख निकालो, 200 लाख का 5% निकालेंगे कितना निकलता है, 10 लाख निकलता है, 200 × 5/100 कर दो, अगर ये अमाउंट 210 लाख से ऊपर हो गया, अभी जो प्रेजेंट में कॉस्ट है, क्यों, क्योंकि बाकी कॉस्ट बढ़ गया, अभी ज्यादा हो गया, अब आप क्या करोगे, अब आप रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट निकालोगे, आप एक नया एस्टिमेट निकालोगे और उसमें बताओगे कि अभी आज के टाइम पर प्रेजेंट जो रेट है वो उसके यहाँ पे आप बताओगे कि अब मेरा रेट इतना लगने वाला है, और जो लास्ट पेज होगा उसमें आप रीजन मेंशन करोगे कि आपने रिवाइज एस्टिमेट बनाया क्यों, क्या जरूरत पड़ी आपको, उसमें जो इसलिए कुछ में लिखा रहता है रीजन बिहाइंड द रिवीजन एस्टिमेट शुड बी मेंशन द लास्ट पेज ऑफ रिवाइज एस्टिमेट। तो रीजन क्या है कि भाई मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, हमें लेबर नहीं मिल रहा, बाहर से लेबर बुलाना पड़ रहा है, या फिर जो फ्यूल चार्जेस वो सरप्लस हो गया, सडनली बहुत डबल रेट हो गया फ्यूल का, तो जो मशीनरी चार्जेस हैं वो पर घंटे के हिसाब से जो चार्जेस हैं वो बढ़ गए, या फिर डे के हिसाब से जो चार्जेस वो बढ़ गए, वो मान नहीं रहे उससे कम में काम करने के लिए, इसलिए हमें रिवाइज एस्टिमेट बनाना पड़ा। तो रीजन जो है उसको आप पीछे लिखोगे, लेकिन ये कब बनाओगे, जब आपका जो डिटेल एस्टिमेट है ना, जो आपका एस्टिमेट है आपने बनाया, जब वो 5% से उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाए, एक्सीड कर जाए 5% को भी, तब आप इसको बनाओगे। अगर 5% के अंदर ही एक्सीड रहता है तो आपको रिवाइज एस्टिमेट बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी 5-10% तो कंटिजेंसी चार्जेस और बाकी चार्जेस जो इंक्लूड कर चुके हो ना, तो वो उसी में इंक्लूड हो जाता है, बात समझो ना भाई, 185 लाख है, उसमें आप 10-15% तो आप एक्स जोड़ते हुए चलते हो कि कंटिन्यूस चार्ज, इमरजेंसी फंड, ये फंड और एक्सपर्ट विजिट, ये सब वो सब, तो 210-220 तो आप ऐसे बना के चलते हो, तो अगर 2-3% बढ़ भी जाता है कॉस्ट, आप उसमें छोड़ते हो कि कोई बात नहीं, 15% तो पहले बढ़ा हुआ है, 2-3% कवर अप हो जाएगा, लेकिन मान लो ये 12% बढ़ गया, 15% बढ़ गया मेटल कॉस्ट रेट, अब आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका पैसा आपकी जेब से चला जाएगा, आप इसमें बचेगा नहीं, आप कुछ घाटा हो जाएगा अगर आप इसको दिखाओगे नहीं, तो समझ लो ना। तो 5% या उससे ज्यादा होता है आप इसको इंक्लूड कर दोगे, कम रहता तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले हम इतने सारे फैक्टर सेफ्टी लेके चलते हैं एस्टिमेट में, तो उसी में कवर अप हो जाता है। अगला है सप्लीमेंट्री कॉस्ट एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री क्या है, देखो सप्लीमेंट्री क्या है, मान लो हमें कॉन्ट्रैक्ट बना, एक हमें एक रूम बनाना है, ठीक है, सपोज करके रूम का एक बना है कि हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है, रूम बनाना है, उसमें फ्लोरिंग करनी है, टेराकोटा बिछाना है, मोज़ेक करना है, टेराकोटा बनाना है, तो हो गया। बाद में जब काम चल रहा है, तब जो आया अथॉरिटी वो बोलते हैं कि नहीं टेराकोटा नहीं करना है, अब क्या करना है आपको, उसमें टाइल्स लगाना है, एक एक क्वालिटी का अच्छा टाइल्स लगाना है आपको उसमें, ठीक है। इसके अलावा बोल दिया उसने कि साथ ही साथ क्या है ना, वरेंडा का जो है ना वेंटिलेशन, वो वेंटिलेशन बढ़ाना है, इंप्रूव करना है, और साथ साथ मुझे ना जो अपना बालकनी उसका साइज भी बढ़ाना है, बालकनी को भी थोड़ा बड़ा करना है। इसके अलावा क्या है ना कि जो लाइटिंग लगने वाली है मुझे, इसके अलावा ना एम्बिएंट लाइटिंग चाहिए, पहले आप एलईडी बल्ब लगा रहे थे, मुझे एम्बिएंट लाइटिंग भी चाहिए, दो रूम के अंदर मास्टर बेडरूम के अंदर मुझे एम्बिएंट लाइटिंग भी चाहिए, आपने बोला, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपका कॉस्ट जो है, आपने जो प्रिपेयर किया था वो किस हिसाब से था, वो तो पहले के हिसाब से था ना, अभी आप एडिशनल कुछ काम करवाना चाह रहे हैं, फिर काम में कुछ चेंज करवाना चाह रहे हैं, आप मुझे कॉमन सेंस से बताओ, जब आप ये काम में चेंज कराओगे, एडिशनल कुछ काम बढ़वाना चाहोगे, तो कॉस्ट तो बढ़ जाएगा ना, अभी कॉस्ट बढ़ जाएगा तो आपको एक वापस से एस्टिमेट तैयार करना पड़ेगा, आप क्या करोगे, आप वापस से क्या करोगे, आप जो भी आपका एडिशनल काम है ना, उसके लिए आप सप्लीमेंट्री आप एक एस्टिमेट बना के दे दोगे। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट कब बनाया जाता है, जब आपको एडिशनल काम करवाना हो प्रेजेंट के वर्क के साथ में, तो जो भी काम एक्स्ट्रा करवाना चाहते हो ना, उसको बोल दिया कि देखो बेसिक हमारा 185 लाख तय हुआ था, जो आपने फालतू के काम बोले हैं उसका 20 लाख और है, तो 205 लाख रुपए लग गया, तो जो 20 लाख का आपने एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री एक और जो फॉर्म तैयार किया, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री कॉस्ट एस्टिमेट। क्यों तैयार करना पड़ा है, क्योंकि आपको जो प्रीमली एस्टिमेट था ना, उसमें आपने एडिशनल कुछ काम करवाया, इसलिए उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री कॉस्ट एस्टिमेट, क्लियर है, समझ लेते हैं। सप्लीमेंट्री कॉस्ट एस्टिमेट डिटेल एस्टिमेट एंड इट इज प्रिपेयर फ्रेशली व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल वर्क ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द इनिशियल वर्क। आप ओरिजिनल वर्क स्टार्ट कर चुके हैं प्रोग्रेस में, अब आपको कुछ उसमें और एडिशनल काम करवाना है, अब आपको सप्लीमेंट्री कॉस्ट एस्टिमेट चाहिए।
एस्टिमेट शीट शुड कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल एस्टिमेट एज वेल एज द टोटल कॉस्ट ऑफ द वर्क इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्री कॉस्ट ऑफ वर्क फॉर विच सेक्शन रिक्वायर्ड। तो आपने जो एक्स्ट्रा वर्क किया है उसका जो भी सेक्शन उसमें हुआ है वो सब उसमें मेंशन रहा होगा कि आपने कौन कौन सा एडिशनल वर्क किया है, उसका कॉस्ट ऑफ रेट क्या है और अमाउंट ऑफ वर्क क्या है, उसके व्यापार पर जो टोटल कॉस्ट निकला है वो कितना है और एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना है और अब फाइनल कॉस्ट कितना निकला है वो सब उसमें मेंशन होगा, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री कॉस्ट एस्टिमेट। अगला है एनुअल रिपेयर कॉस्ट एस्टिमेट। हर एक साल का मेंटेनेंस का पेंटिंग है, वॉइड वॉशिंग है, फ्लोरिंग सफाई है, फिर कुछ भी चार्जेस है, कुछ सपोज करो कि जो वायर है वो टूट गया, वायर काम पे नहीं करा, वायर आपको नई वायरिंग करनी है, रिवायरिंग करना है, या फिर जो आपने फ्लोरिंग दिया तो फ्लोरिंग टूट गया है, फ्लोरिंग को ठीक करना है, प्लास्टिंग वॉइड वॉशिंग बेकार हो गया आपको पेंट करवाना है, तो हर एक साल का मेंटेनेंस का कुछ कॉस्ट लगता है उसको बोलते हैं एनुअल रिपेयर कॉस्ट एस्टिमेट। इसमें साल भर में एक एस्टिमेट तैयार करते हैं, इसको इसमें डाल देते हैं कि भाई आपका साल में जो भी कुछ रिपेयरिंग हो रहा होगा उसका पैसा जो है इतना निकल के आएगा, उसको कॉस्ट एस्टिमेट तैयार होता है उसको बोलते हैं एनुअल रिपेयर कॉस्ट एस्टिमेट। ये सारी काम मैंने सब कुछ कवर अप करा दिया है, वो जो मर्जी क्वेश्चन बनाकर पूछे, क्वेश्चन को वापस से लौट के आते हैं, क्वेश्चन को देख भी सकते हैं। तेरा क्वेश्चन, वो कह रहा है कि जब हमारा सेंक्शन एस्टिमेट 5% या फिर उससे ज्यादा ड्यू टू रेट्स बीइंग फाउंड इनसफिशिएंट और ड्यू टू सम अदर रीजन ए फ्रेश एस्टिमेट बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं रिवाइज एस्टिमेट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर सारी कहानी। तो रिवाइज एस्टिमेट का बोलेंगे एक नया एस्टिमेट तैयार कर रहे हैं जब हमारा एस्टिमेट अमाउंट 5% ज्यादा एक्सीड कर जाता है। अच्छा, सप्लीमेंट्री का बोलेंगे सप्लीमेंट्री, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, जब एडिशनल वर्क का बोले उसमें बोलेंगे एडिशनल वर्क, उसमें हम नया एस्टिमेट नहीं बनाते हैं, उसमें हम लिख देंगे कि हमने देखो ये एडिशनल काम किए, ये काम तो पहले थे, ये एक्स्ट्रा कुछ काम किए गए, उसका कॉस्ट 20 लाख रुपए, ये हमारा पहले 185 लाख था, ये 20 लाख है, टोटल कॉस्ट हो गया 205 लाख, ये निकल के आ गया। ठीक है, तो हमारा टोटल निकाल के चल जाएंगे और वो हमारा कॉस्ट एस्टिमेट निकल के आ जाएगा, उसको हम बोल देंगे सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। क्लियर सारी कहानी, बहुत टाइम हो गया, क्वेश्चन केवल 3 ही हुआ है लेकिन आपको क्लियर ओवर व्यू मिल रहा है कि सॉल्व कैसे करना है। एक शीट है, ओवल शीट से एक सर्कल का डाया कट किया गया है, तो क्या पूछा सेंट्रोइड ऑफ द रिमेनिंग शेडेड एरिया। देखो सेंट्रोइड की जब भी बात आती है फॉर्मूला एक ही निकल के आता है, तो यहाँ पे सेंट्रोइड निकालना है, कैसे निकालेंगे देखो a1x1 - a2x2 / a1 - a2, ये होता है एक्स बार। अब देखो पहले का एरिया उसका सीजी माइनस दूसरे का एरिया उसका सीजी, टोटल एरिया से डिवाइड कर। देखो पहले का एरिया निकालो टोटल बड़े वाले का डायमीटर, तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, इसकी सीजी से इसकी डिस्टेंस कितनी है टोटल आर है माइनस टोटल आर, इसकी डिस्टेंस क्या है इसका स्मॉल आर है रेडियस, इसका स्मॉल आर रेडियस है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर। अच्छा इसकी सीजी से वही अगेन जो आउटर की रेडियस है सीजी के से डिस्टेंस कितनी है वो आर है, न्यूक्लियस की डिस्टेंस डिवाइडेड बाई a1 - a2, बड़े का एरिया माइनस छोटे का एरिया, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर। अब जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, पाई कॉमन आ रहा है आर स्क्वायर कॉमन आ रहेगा, ले लो नहीं आर स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा, पाई कटेगा केवल, तो ऊपर आ जाएगा केवल आर क्यूब माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाई पाई से पाई कट जाएगा ना, पाई कॉमन लोगे तो, और नीचे बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये बचेगा। देख लो किसमें मिल रहा है ऑप्शन में, ये इसमें मिल रहा है बीस करेक्ट ऑप्शन। ले सर गानी, तो एरिया इनटू सीजी का कॉन्सेप्ट था, उससे हम सॉल्व करना है इस क्वेश्चन। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर ऑफ द विड्थ बी एंड डेप्थ बी अबाउट द सेक्शन ए बी, ए बी के अबाउट हमें क्या निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, कभी ट्रायंगुलर सेक्शन दे देगा, कभी रेक्टेंगुलर सेक्शन दे देगा, कभी बोलेगा टॉप के अबाउट बताओ, बॉटम के अबाउट बताओ, बॉटम थर्ड के अबाउट बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है, एक बार में समझ लेना सॉल्व कैसे करना है। देखो ये हमारा कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसका विड्थ बी है और डेप्थ डी है, अगर हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सी के अबाउट में मतलब एक्स अबाउट निकल के आता है बी क्यूब, ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट, लेकिन मुझे चाहिए बेस के अबाउट में वाई वाई के अबाउट, क्या करना पड़ेगा जब हमें एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और उसी के पैरेलल दूसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज करते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपको साथ साथ में कोई दूसरा एक्सिस का अबाउट चाहिए तो क्या होता है वो होता है आई एक्सिस प्लस एरिया इंटू वाई बार का स्क्वायर, ये होता है। तो आई एक्सिस हमें पता है इसका अबाउट कितना है वी क्यूब बाई 12 प्लस इस पूरे का एरिया कितना है बी इंटू डी इंटू वाई बार, इसकी सीजी के इससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी डी बाई टू का, ठीक है इस एक्सिस से लेकर
इसके न्यू एक्सेस जैसे कितने डिवाइड टू एस वन, सो सॉल्व करो कितना देगा, बी डी क्यू बाई 12 प्लस बी डी इंटू डी स्क्वायर बाई 4। 12 को मना जाएगा तो कितना निकलेगा, बी डी क्यू प्लस बी डी क्यू बाई 12 आ गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, 4 3 4 3 12, बी डी क्यू प्लस 3 बी डी क्यू कितना जाएगा, 4 बी डी क्यू बाई 12, 4 बी डी क्यू बाई, अच्छा ये कट रहा है, 4 से काट दो उसको, बी डी क्यू बाई 3 आ जाएगा, कैंसिल। अब आपको क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है कि मेरा ट्रायंगल सेक्शन ए बी सी, आपको इस एक्सिस के अबाउट बॉटम के अबाउट एट इसकी एच ले लो और ये इस डिस्टेंस को बी मान लो, इस आपको इस बेस के अबाउट बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहा होगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, सेम यूज करना है, आपको इसके अबाउट पता होगा सीजी के अबाउट, उसको शिफ्ट करना है और शिफ्ट करके बताना है कि कितना निकल के आए। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कि एक टाई बार है, कह रहा है कि एक 50 × 8 mm का एरिया देखो, इसका कितना 50 mm/8 mm, और दूसरा जो स्पेसमैन है उसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो 250 mm² है, ठीक है, यहाँ पर जो लोड कैरी हो रहा है वो 80 kN है टाई बार से, और जो सेम स्पेसिमेन है वो लोड को जो कैरी कर रहा है वो 125 kN कह रहा है, तो बताना फैक्टर सेफ्टी कितना है, ये मैक्सिमम लोड है। आपको बताना है कि फैक्टर सेफ्टी कितना निकल के आएगा, तो पहले तो यहाँ से स्ट्रेस निकालो कि स्ट्रेस कितना निकल के आएगा इस बॉडी पर, कितना निकल के आएगा 80/50 × 8, ये स्ट्रक्चर पर लोड आ रहा है, मैक्सिमम कितना ले सकता है, वो मैक्सिमम कितना ले सकता है 250/125, उसको से डिवाइड कर दो, समझ में आ रही मेरी बात, यहाँ पे हमने स्ट्रेस निकाला कितना निकल के आएगा 125/250 कर दो, ये हमारा स्ट्रेस है, यहाँ पे हमने स्ट्रेस निकाल दिया, तो ये मैक्सिमम है और ये हमारे पास आ रहा है, तो हमारा सपोज करो कि हमारा मैक्सिमम लोड जो आ सकता है वो 100 kN का, 100 kN/m² का मान लो, और अभी जो लोड लग रहा है वर्किंग वो लोड लग रहा है 50 kN/m² का, फैक्टर सेफ्टी कितना होगा 100/50 टू टाइम्स, यानी कि अभी हम टू टाइम्स सेफ है, देख भी लो 50 का ही लोड लग पा रहा है, 100 तो जा सकते हैं, तो फैक्टर सेफ्टी कितना हो गया 100/50। क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है कि मैक्सिमम जो लोड है वो निकालेंगे 125/250, इतना मैक्सिमम आ सकता है, अब कितना लग रहा है 80/50, तो उसको हमने डिवाइड कर दिया, इसको सॉल्व कर लो कितना जाएगा 250/125 × 50 × 8/80, ठीक है, 8 से 10 आ जाएगा, 10 से कट जाएगा 5, क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, कुछ गलती कर देगा, पहले तो देखते हैं मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइड बाय वर्किंग स्ट्रेस, जो भी होगा देख लेंगे, कुछ कैलकुलेशन शुरू होगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमें फैक्टर सेफ्टी निकल के आता है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है, लोड कितना है 125 का है, 125/250, ये तो है मैक्सिमम स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस कितना है 80 kN लोड है डिवाइड बाई 50 × 8, ये है, अच्छा मैंने 250/120 कर दिया था, मैंने कैलकुलेशन गलती कर दी थी, ठीक है, ठीक हो जाएगा 125/250 × 50 × 8/80, ये होगा 8 × 10, 10 से जाएगा 5 से कटेगा ये 50, और 125/50 कर लो कितना निकल जाएगा 2.25 निकल गया, ठीक है 2.5 इसका आंसर निकल गया, ऐसा दिखानी मैंने 250/125 कर दिया था गलती से, स्ट्रेस वो कैलकुलेशन मैंने देखा नहीं था, वो गलती कर दिया था, ये कॉन्सेप्ट सही है, मतलब कॉन्सेप्ट सही है, कैलकुलेशन थोड़ी गलती थी, आप इसको देख लेना, कैलसी से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, बाकी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे चलो,
सेलेक्ट द डिसएडवांटेज ऑफ द प्लेन टेबल सर्विंग। प्लेन टेबल सर्विंग का डिसएडवांटेज बताओ क्या है। तो जब हम प्लेन टेबल सर्विंग को समझ ही लेंगे पूरा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो प्लेन टेबल सर्विंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डिटेल में चलते हैं, ये रहा प्लेन टेबल सर्वे का। पहले एडवांटेज समझते हैं, फिर डिसएडवांटेज की चर्चा करेंगे। तो प्लेन टेबल सर्विंग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर कटिंग स्मॉल, जो छोटे मैप्स जो है ना, स्मॉल स्केल मैप्स, उन्हीं के लिए सुटेबल है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि आपको प्लॉटिंग खुद ही करना होता है, ट्रेसिंग करना पड़ता है। अगर आपने ट्रेसिंग में कुछ ना कुछ गलती कर दी, प्लॉटिंग में कुछ ना कुछ गलती कर दी, तो बड़े मैप में बहुत बड़ी गलती करके निकल के आए हो। ठीक है, छोटे मोटे काम के लिए हम इसको प्रीफर भी कर सकते हैं। फील्ड बुक इज नॉट मैंडेटरी एज प्लॉटिंग इज डन साइमल्टेनियसली इन द फील्ड। तो देखना और प्लॉटिंग एक साथ ही करो तो फील्ड भी कुछ जरूरत नहीं होती है। देखा हमने कितना मीटर पर डिस्टेंस से देखा करा, वो प्लॉट किया और उसको साथ में सीट में प्लॉट कर दिया। अगला, द सर्वेयर कैन कंपेयर द प्लॉटेड वर्क विद द एक्चुअल फीचर ऑफ द एरिया सर्वेड, थस कैन रिप्रेजेंट टेम्परली। तो प्लॉटेड वर्क जो उसका निकला, सपोज करो कि यह हमारा स्ट्रक्चर कोई था, यह हमें हमें सीट पर डिपेंड रहा, तो हमारा ये एरिया, ये एक्चुअल एरिया देख लो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इसमें कुछ ना कुछ एरर है तो साथ साथ देख सकते हैं, तो कंपेयर कर सकते हैं एक्चुअल बिहेवियर को प्लॉटेड बिहेवियर के साथ में। अगला, इट इज पार्टिकुलर एडवांटेज टू मैग्नेटिक एरियाज वेयर कंपास सर्वे नॉट रिलायबल। देखो मैग्नेटिक अगर फील्ड लाइन जा रहा है, कहीं केबल जा रहा है, अगर आपने कंपास सर्वे किया तो आपका जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करेगा, लोकल अट्रैक्शन उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप तो शीट से जो यू ड्रॉ कर रहे हो ना, अब मैग्नेटिक लाइन जाए ना जाए आपको फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर इस एरियाज में ही एडवांटेजेस निकल के आ रहा होता है। अगला क्या कह रहा है, प्लेन टेबल सर्विंग इज लेस कॉस्टली देन मोस्ट ऑफ द सर्विंग टेक्निक। क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, मशीनरी नहीं है बहुत बड़ी। जनरली जो कंपास सर्वे होता है, ट्रोडलाइट वगैरह, ये महंगे आते हैं, उनका जो मेंटेनेंस है, इनका चार्जेस ज़्यादा होता है। अभी शीट है, शीट ड्राफ्टर है, उसका क्या चार्ज है, बहुत नॉर्मल चार्जेस है, तो कम कॉस्टली पड़ता है। डज नॉट रिक्वायर स्किल, स्किल हैंड नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ड्रॉ करना है, ड्राफ्टिंग करना है, ट्रेसिंग करना है, तो बेसिक जो इंसान जानता है वो कर सकता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता। अगला क्या कहता है, डिसएडवांटेज क्या है, देखो प्लेन टेबल इज एसेंशियल ट्रॉपिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो ट्रॉपिकल का मतलब क्या है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं ड्राई सेशन में। अब अगर बारिश हो रही है, अब बारिश के लिए अपन ओपन एरियाज में आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हो, तो बारिश हो रही है, आप शीट पर इसको ड्रॉ नहीं कर सकते ना, प्लॉटिंग नहीं कर सकते, शीट भीग जाएगी, एरर आ जाएंगे रीडिंग में। तो आप इसको ट्रॉपिकल में ही, ट्रॉपिकल रीजन मतलब क्या है, जहाँ पर ड्राई रीजन हो, जब बारिश नहीं हो, धूप पड़ रही हो, गीला नहीं हो, मानसून नहीं हो, उस क्लाइमेट में यूज कर सकते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज है। अगला क्या कह रहा है, इट इज नॉट वेरी एक्यूरेट, थस इज अनसुटेबल फॉर लार्ज स्केल वर्क। मैंने पहले बता दिया कि जब बहुत बड़ा वर्क आ जाएगा, आपको ट्रेसिंग ड्राइंग करोगे, प्लॉटिंग करोगे, तो एरर बहुत ज्यादा निकल के आएगा। तो छोटे मोटे काम के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े वर्क के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एरर एक्यूमुलेशन बढ़ता चला जाएगा। अगला कह रहा है कि नो फील्ड बुक इज मेंटेन्ड, प्लॉटिंग एंड डिफरेंट स्किल रिक्वायर्ड फुल एक्सरसाइज। आपने एक स्किल में, अपने एक स्किल पर इसको बनाया, दूसरे स्किल पर सपोज करके इसको रिवाइज करना, बनाना है, अपने फील्ड में प्लॉटिंग नहीं किया, फील्ड बुक नहीं प्रिपेयर करना, क्योंकि आप देख रहे हो और साथ साथ प्लॉट कर रहे हो। अब आपको नए स्किल बनाना है, तो आपसे आपको हर एक डायमेंशन को मेजर करना पड़ेगा, स्किलिंग देखनी पड़ेगी, तब जाकर आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। बहुत माथापच्ची होती है। अगर आप फील्ड बुक होती है, आपको पता होता है कि आपने ये लेंथ इतनी है और आपने इसको स्किल बनाया, पता लग जाएगा। अब आपको रिवाइज करना है दूसरे स्किल पर, आपको पता है कि सपोज 20 मीटर की लेंथ है, इसको रिवाइज करना है, इस लेंथ निकल के आएगा, ज़्यादा टाइम निकल के नहीं आएगा। समझ मारी बात है। जैसे कि मान लो आपने ये बनाया, मान लो ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा सपोज करो 1:100 का स्केल है, मान लो ये 20 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये मान लो 35 सेंटीमीटर, मान लो थोड़ा देख ले। अब 1:100 का स्केल है, ये स्केल 1:100 का है, तो आपको रिवाइज करना है स्केल को, नया स्केल बनाना है। सपोज करो कि 1:50 का बनाना है, ठीक है, बड़ा स्केल बनाना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको हर एक डायमेंशन को मेजर करना पड़ेगा, ये डायमेंशन कितनी है, फिर इसको 1:50 में करना पड़ेगा, ये डायमेंशन कितनी है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये डायमेंशन कितनी है, पहले मेजर करना पड़ेगा शीट पर जाकर स्केल को रख करके, फिर यहाँ पर आना पड़ेगा, फिर ये डायमेंशन मेजर करनी पड़ेगी, देना पड़ेगा। फील्ड बुक अगर आप पास है कि ये डायमेंशन 20 सेंटीमीटर है, ये सपोज करो कि ये डायमेंशन 1 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो सीधा स्केल लगाते 150 का कन्वर्ट करके प्लॉट कर देते हैं, 150 का लगाते कन्वर्ट करते, तो वापस से मेजरिंग, वापस से एनालिसिस से वापस से कन्वर्जन नहीं करना पड़ता, तो टाइम बहुत बच जाता। ठीक है, तो ये किसका डिसएडवांटेज है। और क्या कह रहा है, फाइनल मैप डिपेंड्स लार्जली ऑन द ड्राफ्टिंग कैपेबिलिटी ऑफ सर्वेयर। कितना अच्छे से वो मैप बनाता है, कितना एक्यूरेटली लाइन को खींचता है, कितना प्रिसाइसली प्लॉटिंग करता है, उसके ही व्यापार पूरी एक्यूरेसी डिफाइन करती है प्लेन टेबल। क्योंकि अगर उसने थोड़ी सी भी एरर कर दी, थोड़ी सी भी थिकनेस को, थोड़ा सा भी पॉइंट को, माइन्यूट को भी चेंज कर दिया, तो पूरी की पूरी सर्विंग बिहेवियर, पूरा का पूरा जो एरिया है वो चेंज हो जाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। क्वेश्चन को पढ़ लो,
सर द डिसएडवांटेज ऑफ द प्लेन टेबल सर्विंग, इट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल मैप, छोटे मैप के लिए ज्यादा सुटेबल है, तो ये इसका तो एडवांटेज है। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज थोड़ी हुआ। अगला कहता है द सर्वेयर केयर, द सर्वेयर कैन कंपेयर प्लॉटेड वर्क विद द एक्चुअल फीचर ऑफ द एरिया। हमने देखा था कि आप जो एक्चुअल फीचर ये है आपने प्लॉट किया है, तो आप एक्चुअल फीचर्स को कंपेयर, डाइमेंशंस वही है कि नहीं है इसके लिए को यूज करते हुए, और जो आपका ट्रेसिंग एक्चुअली गेट हुआ है वो जो प्लॉटेड ट्रेसिंग है उसे मैच करता है कि नहीं करता है। इट इज एसेंशियली प्लॉट इंस्ट्रूमेंट, इट रीजन में ही काम करता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। इट इज यूजफुल इन मैग्नेटिक एरिया, ये इसका एडवांटेज हो गया। तो ये एडवांटेज है तीन और ये इसका डिसएडवांटेज है, वो आपने देख लिया। कुछ एक दो चीज़ें भी हैं, पहले हम जो सेटिंग स्टोन का पहले फिक्सिंग करते हैं, फिर लेवलिंग करते हैं, फिर सेटिंग करते हैं, फिर पहले एफ, फिर एल, फिर सी। पहले फिक्सिंग कर दिया, फिर लेवलिंग कर लिया, फिर जाके ओरिएंटेशन सेटिंग कर रहे होते हैं। और चार जो मेथड है प्लेन टेबल सर्विंग के आप सबको पता है, लेकिन फिर भी रिवाइज कर दे, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रेवर्सिंग और रिसेक्शन, ये चार मेथड है। कभी एक और कोई क्वेश्चन आएगा या फिर और कोई वीडियो आएगा इसके ऊपर, तो मैं इसमें डिटेल में ये चारों मेथड का डिस्कशन भी कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इतनी सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ, इनको भी करने लग गया, फिर उनके फीचर, फिर उनके ट्रेवर्सिंग कैसे करते हैं, रिसेक्शन कैसे करते हैं, उनके लिमिटेशन क्या है, इसी में पूरा वीडियो निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो क्या कह रहा है कि किपलिंग रूल निकालना है आपको, जब वन एंड ऑफ कॉलम फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री। देखो तो पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था इफेक्टिव निकालने का, वो कौन सा आप यहाँ काम आ रहा है, तो एक बार चीजों को पढ़ लोगे तो हर बार काम आता है। वो क्या कहता है कि एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा एंड फ्री है, तो एल इफेक्ट कितना निकल के आएगा, टू एल निकल के आएगा। फॉर्मूला किपलिंग रूल का आपको पता होना चाहिए, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइड बाई एल इफेक्टिव का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन क्या बन रहा है, ए ऑप्शन इसमें अच्छा, पाई स्क्वायर ये अपन फोर एल स्क्वायर इसका लोड निकल के जाएगा। अब वो कभी पूछ सकता है, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, तो लेकिन वन हिंज है तो बताओ किप नोट कितना है, एक एंड फिक्स, एक एंड हिंज है तो बताओ कितना रहा होगा, तो वो आपको करना है। अब आपको बताना है कमेंट में सोच करके, वन एंड जो है वो हिंज है, एक एंड जो है वो फिक्स है, अब आपको बताना है कि किप नोट कितना होगा, ये आपका होमवर्क नंबर टू है। ठीक है, एक एंड फिक्स है और एक एंड हिंज है, तो बताना क्लिप लोड कितना हो, ये आपका टास्क है, आपको बताना है सॉल्व करके। आगे बढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव इन द सर्विंग ऑफ द मेजरिंग द डिस्टेंस। ऐसे कौन से करेक्शन है जो हर बार नेगेटिव ही निकल के आते हैं हम जब डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो पहले सारे करेक्शन को देख लेंगे, और जो भी करेक्शन होंगे इसके व्यापार में देखेंगे कि कौन सा करेक्शन हमेशा नेगेटिव निकल के आते हैं। देखो पहला करेक्शन होता है टेम्परेचर का, तो करेक्शन क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी टी माइनस टी नॉट, तो ये मेजरिंग टेम्परेचर कितना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है, उसके भी आप एल अल्फा क्या है, अल्फा थर्मल कोफिशिएंट हो गया, एल हो गया मेजरिंग। ठीक है, तो पहला तो यही है, देख सकते हो आप इसको, अगर ये ज़्यादा है इससे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव ये मान लो 40 है, ये 20 है, हमने 20 पे स्टैंडर्ड किया हमारे टेप को, और हम 40 से मेजर कर रहे हैं, तो हमारा करेक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव ही आने वाला है। लेकिन अगर ये 20 पर स्टैंडर्ड किया, 10 पर मेजर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 10-20 हो जाएगा ना, तो फिर नेगेटिव निकल के आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है करेक्शन टेम्परेचर की, तो हम हर बार नेगेटिव नहीं होगा, जरूरी नहीं है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। करेक्शन फोर्स है, देखो क्या निकल आएगा, ये हमेशा नेगेटिव निकल के आएगा, डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यू डिवाइड बाई 24 PM², ये आपको याद रखना है। अब ये नेगेटिव निकल के आता है, करेक्शन देख सकते हो, करेक्शन क्या होता है, ट्रू माइनस मेजर, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। देखो ट्रू लेंथ हमारी ये है L, और हमारी मेजर्ड लेंथ ये है L डैश, तो ट्रू L माइनस मेजर्ड। अब मुझे बताओ कि मेजर्ड ज्यादा है या ट्रू ज्यादा है, मेजर्ड ज्यादा है, तो जब मेजर्ड ज्यादा है नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, तो हमेशा नेगेटिव निकल के आएगा, सपोज ये 2 है ये 3 है, तो ऑलवेज वैल्यू क्या निकल के आएगा, नेगेटिव, सेक करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर है, आगे चलते हैं, करेक्शन फॉर द टेंशन, इफ द पुल अप्लाइड फॉर द टेंशन, तो हमारा ये करेक्शन निकल के आता है P माइनस PS डिवाइड बाई A इंटू L, सीधा वही फॉर्मूला है P माइनस P नॉट डिवाइड L अपॉन A, जो हम PL अपॉन A पढ़ते हैं सो में वही फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है, इसको बोलते हैं करेक्शन फॉर द टेंशन, सीधा फॉर्मूला वही निकल के जाएगा, यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है। एक एल्टीट्यूड का लगता है करेक्शन, जब आप मीन सेलर पे रीडिंग लोगे तो ठीक है, अगर उसके ऊपर रीडिंग लोगे तो करेक्शन लगेगा, वो कितना होता है, LH अपॉन R होता है, तो ये हम निकाल सकते हैं, H हाइट है, लेंथ है, और R जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और एक है करेक्शन फॉर स्लोप, जब आपने स्लोप ही डायग्राम में मेजर कर दो तो करेक्शन ऑफ स्लोप निकल के आता है -H² / 2L, ये भी हमेशा नेगेटिव होगा,
तो कलेक्शन टू द स्लोप और करेक्शन टू द सेग ये हमेशा नेगेटिव निकल के आता है। इसको मेजर कर सकते हैं, करेक्शन क्या होगा, ट्रू माइनस मेजर्ड होगा, ट्रू वैल्यू ये है, मेजर्ड वैल्यू ये है। तो हाइपोटेनस ज्यादा होता है ना, आप समझते हो रेक्टेंगल में हाइपोटेनस ज्यादा होता है तो मेजर्ड वैल्यू क्या हो जाए, ज्यादा हो जाएगी तो हमेशा नेगेटिव निकल के आएगा। तो करेक्शन फॉर स्लोप भी हमेशा नेगेटिव निकल के आएगा। क्वेश्चन देख लो, ऑलवेज नेगेटिव, क्या क्या स्लोप नेगेटिव होता है, सेग नेगेटिव होगा। ऑप्शन में सेग दिया, टिक कर देंगे, ऑलवेज नेगेटिव निकल के आएगा। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, एक बार में सॉल्व हो गया क्वेश्चन। एक मिनट मैं भी पानी पी के आता हूँ, जस्ट ब्रेक। सॉरी फॉर द ब्रेक। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बताने टरबाइन की। तो देखो इस क्वेश्चन को पहले डील करने से पहले सारी एफिशिएंसी को समझेंगे और सारी एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जब वो क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो पहले क्या होता है हमारा, ये हमारा इनलेट हो गया, इनलेट से पानी जाएगा हमारा रनर पर, रनर से जाएगा पानी शाफ्ट पे, ये हमारी कहानी है। हमने पानी इनलेट से दिया, इनलेट से रनर पे गया, तो रनर पे कितनी पावर है डिवाइड बाई इनलेट पे कितना हमने दिया, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। क्योंकि हमने पानी को हाइड्रोलिक जो पावर, पानी इसको हाइड्रोलिक क्यों बोलते हैं, हमने पानी को इनलेट पे दिया, ये हमारा रनर ब्लेड है, पानी रनर पे गया, तो पानी इनलेट से रनर पर गया, पानी का एफिशिएंसी है कि पानी कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहा है कि वो रनर को कितनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दे दे, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। मान लो कि इनलेट पे हमने पावर दिया 50 किलोवाट का, मान लो रनर पर गया 40 किलोवाट का और शाफ्ट पे जनरेट हुआ 30 किलोवाट का, ये हमारी कहानी है। सबसे पहले आएगी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, पानी इनलेट से रनर पर गया तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कितनी निकलेगी, रनर डिवाइड बाय इनलेट, तो 40 डिवाइड बाय 50, 80%। तो 80% ही हमारी क्या है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, यानी कि 20% पानी ने अपनी एनर्जी को लॉस कर दिया है। ज्यादा टाइम पे फ्लक्चुएशन के कारण कुछ सर्जेस बने होंगे, कुछ इश्यूज होंगे, लेंथ बहुत बड़ी है, उनको इनकॉर्पोरेट करने में 20% एनर्जी को लॉस कर दिया। तो ये हमारा हो गया हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ये बात तक क्लियर है आता पानी। अगला मैकेनिकल एफिशिएंसी, रनर और शाफ्ट इंक्लूडेड है, रनर से शाफ्ट जो होगा वो घूमेगा, मैकेनिकली घूमता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो शाफ्ट पे कितनी पावर जनरेट हुई डिवाइड बाई रनर पे हमने कितनी पावर दी, तो 30 डिवाइड बाई 40 दी, सो सॉल्व कर लेना 3/4, 75%। तो 75% ही हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी निकल के आएगी। इसको क्या बोलेंगे मैकेनिकल एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर स्ट्राइक कर रहा है रनर को और हमने जो टर्बाइन को सप्लाइड किया है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर रनर पे हमने कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई आया है और हमने यहाँ पे इनलेट पे कितना पानी टर्बाइन को सप्लाई किया था, उसका जो रेशियो है उसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। अगला है ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल फाइनल बताओ कि शाफ्ट पे कितनी पावर जनरेट हुई है और हमने इनलेट पे कितनी पावर दी है, ओवरऑल टोटल इनिशियल से लेकर फाइनल तक, तो कितना निकल गया, 60% निकल गया, इसको हम बोलेंगे ओवरऑल। क्लियर है? तो इनलेट रनर रनर से जाएगा शाफ्ट में, तो रनर बटे इनलेट उसको बोलेंगे हाइड्रोलिक, क्योंकि पानी जा रहा है स्टार्टिंग से इनलेट से रनर पर टकरा रहा है, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो रनर पर पावर जनरेट हुई डिवाइड बाय हमने इनलेट पे कितनी पावर दी, रनर से घूमने से शाफ्ट घूम रही है तो मैकेनिकल एफिशिएंसी, बात समझ रहे ना, मैकेनिकल क्यों बोला, मैकेनिकली घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो पावर जनरेटेड एट शाफ्ट डिवाइड बाय पावर सप्लाई टू द रनर, उसको बोल देंगे मैकेनिकल एफिशिएंसी। अगला वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, तो रनर पर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर स्ट्राइक कर रहा है और हमने टर्बाइन को कितना पानी सप्लाई किया, वो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी टोटल बताओ, तो फाइनल शाफ्ट पर कितना जनरेट हुआ और हमने इनलेट पर कितना पावर सप्लाई किया, तो वो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ओवरऑल एफिशिएंसी। ये कहानी निकल के आएगी। अब पूछ लो क्या पूछ रहा है, अब वो कौन सा एफिशिएंसी पूछ रहा है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी पूछ रहा है, कौन सी बड़ी बात होगी। तो क्या होगा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, क्या होगा कि रनर पर कितनी जनरेट हुई और हमने इनलेट पर कितनी पावर दी, ये तो होगा रनर डिवाइड बाई इनलेट, इसको क्या बोलेंगे हाइड्रोलिक बोलेंगे। एक एक और भी समझ लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं बाकी। अगर वॉल्यूम ऑफ टू रनर टू द टर्बाइन, इसको क्या बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ द वाटर, तो बोल क्या बोले वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी।
कुछ है ही नहीं। पावर टू द शाफ्ट बाई पावर टू द रनर, ठीक है, ये हमारा कार्नेगी का है। अब हम देखेंगे हार्डवेयर एफिशिएंसी क्या, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कवर अप हो गया, एक हम बता ओवरऑल बचता है वो क्या हो जाएगा, शाफ्ट पे कितना आया डिवाइड बाई इनलेट पे कितना था, वो ओवरऑल एफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है, ये हमारी कहानी हो जाएगी। क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, इन मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट व्हाट इज द मास एंड फ्रीडम। अब देखो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट पूछा है, जैसे ही हम स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट की सारी डिटेल्स पढ़ लेंगे, ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो ये हम स्टैंडर्ड प्रॉक्टर है, इसका वेट 2.7 होता है, इसका वेट 4.9 होता है, 300 mm से इसको फ्री फॉल करते हैं, जनरली 304 होता है, 300 mm, 450 mm होता है, जनरली 457.8 mm के आसपास होता है, ठीक है, लेकिन 450 mm ले लेते हैं। तीन लेयर में नंबर ऑफ लेयर तीन होती है, उसमें इसको कंपेयर करते हैं, इसमें 5 लेयर में करते हैं, 25 ब्लोज देते हैं, इसमें 25 ब्लोज देते हैं, टोटल एनर्जी 596 होती है, 2703 होती है, 2693 होती है जनरली, वो एक ही बात है, एक बात तीसरी कहानी है। अब वो क्या पूछा है, मास पूछा है और फ्रेड पूछे किसकी मॉडिफाइड की, तो मास कितना होता है मॉडिफाइड में 4.9 होता है, और हाइट ऑफ फॉल कितनी है 490 mm, ये दो चीज़ पूछी है। कल को वही दो चीज़ पूछ सकता है, कल को ये चीज़ पूछ सकता है, कल को कुछ भी पूछ सकता है, कल पूछ देगा कितनी लेयर में करते हैं, कल को पूछ देगा ब्लोज कितने होते हैं पर एम लेयर में, कल को बता देगा टोटल एनर्जी जनरेटेड बाय द मॉडिफाइड टू द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर का रेशियो कितना रहा होता है, कई बार वो रेशियो पूछ लेता है ये रेशियो कितना है, ठीक है, तो रेशियो पूछा था 4 पॉइंट के आसपास समथिंग आता है, 4.1 4.2 के आसपास रेशियो निकल के आता है, तो वो कई बार रेशियो पूछ लेता है, वो कुछ भी पूछ सकता है, तो ये याद होना चाहिए 2.7 होता है, 300 mm होता है, 3 लेयर में 25 mm में जनरेट करते हैं, टोटल 596 जनरेट होता है एनर्जी इंपॉर्टेंट, और मॉडिफाइड में क्या होता है ये होता है। अगर आप ये याद है तो इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कंटूर लाइंस ऑफ डिफरेंट एलिवेशन कैन इंटरसेक्ट ओनली, देखो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक वो पूछता है कई बार इंटरसेक्ट कब करता है, और एक बार पूछता है वो कि मर्ज कब करता है, या एक पॉइंट पर एट ए पॉइंट अलाइन कर कब करता है, दो चीज पूछता है। इंटरसेक्ट करता है वो ओवर हैंगिंग क्लिफ में, देखो आप देख सकते हो ये हमारा कंटूर लाइन, बना दो कंटूर लाइन, एक हमने इस एलिवेशन के लिए, एक एलिवेशन के लिए, एक एलिवेशन के लिए, कंटूर आप ड्रॉ कर दो, पहले हमने इस एलिवेशन के लिए कंटूर को ड्रॉ कर दो, तुम्हारा कंटूर ये बनेगा, अब कलर से दिखा देता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। फिर हमने इस वाले एलिवेशन के लिए ड्रॉ किया, कर दो ड्रॉ, ये ड्रॉ होगा, ड्रॉ हो गया। फिर हमने एक थर्ड एलिवेशन लिया, उसकी ड्रॉ किया, सर ये रह गया, इसके लिए ड्रॉ किया, कर दो ड्रॉ, क्या कंटूर बनेगा, ये कंटूर बनेगा। अब देख लो ये वाला कंटूर, ये वाला कंटूर इंटरसेक्ट कर दो किसमें, ओवरहैंगिंग क्लिफ, इसको क्लिफ बोलते हैं, ओवरहैंगिंग क्लिफ, ओवरहैंगिंग क्लिफ जो कि अपने रोटेशन पर रहती है, स्मूथ नहीं है, ना तो ऐसी है ना ऐसी है, ये इरेगुलर पैटर्न में है, हैंगिंग की हुई है, ओवरहैंग है, इसको इसलिए ओवरहैंगिंग क्लिफ बोला है। एक होती है वर्टिकल क्लिफ, वर्टिकल क्लिफ का मतलब क्या है कि जब हमारी किसी एक पॉइंट पर जो क्लिफिंग है वो एग्जैक्टली वर्टिकल है तो क्या होगा, अब देखो जब उसका एलिवेशन आप लोगे ना, इसका कुछ ड्रॉ करोगे ना, देखो ये ड्रॉ कर लो आप, कुछ भी ड्रॉ कर लो तो क्या होगा, ये इसी पॉइंट पर ही जाकर एक पॉइंट पर क्या होगी, एक पॉइंट पर अलाइन हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, दो चीजें पूछता है वो ध्यान से समझना। अगर ओवर हैंगिंग क्लिफ है, अगर ओवर हैंगिंग क्लिफ है, अगर ओवर हैंगिंग क्लिफ है तो वो इंटरसेक्ट करेगा, क्यों करेगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। और अगर वर्टिकल क्लिफ है तो क्या करेगा, वो मर्ज करेगा एक पॉइंट पर, मर्ज एट वन पॉइंट वर्टिकल क्लिफ में, क्लियर है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है कंटूर का। अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंटरसेक्ट पूछा है तो ओवर हैंगिंग हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ऑल पॉइंट्स ऑफ कंटूर लाइज ऑफ सेम एलिवेशन, हर एक एलिवेशन को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, कंटूर बोलते हैं। नो कंटूर लाइन मीट एंड क्रॉस इट अदर एन एक्सेप्ट ऑफ रेयर केस ऑफ ओवर हैंगिंग वर्टिकल क्लिफ, ओवरहैंगिंग वर्टिकल क्लिफ के अलावा कंटूर लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइन इंडिकेट स्टीप स्लोप, जब स्टीप स्लोप रहेगी तो कंटूर क्या होगा, क्लोजली प्लेस्ड होगा कि नहीं होगा, देखो पहले कंटूर ये होगा,
दूसरा कंट्रोल ये होगा, तीसरा कंट्रोल ये होगा, अगला कंट्रोल ये होगा, अगला कंट्रोल ये होगा, क्लोज स्पेस होगा। वाइल्ड स्पेस कंट्रोल लाइन इंडिकेट जेंटल स्लोप। अगर जेंटल स्लोप है तो देखो एक एलिवेशन हमने लिया तो हमारा कंट्रोल क्या बनेगा, बना के देख लो कंट्रोल को, एक कंट्रोल ये बनेगा और एक कंट्रोल ये बनेगा। तो वाइड स्पेस होगा कब, जब जेंटल स्लोप होगी तो दूर दूर स्पेसिंग आ जाएगी, और जब बहुत ही स्टीप रहा होगा इसको और स्टीप कर लो, और स्टीप कर दो कैसे, तो क्या हो जाएगा देखो इसका एलिवेशन ले लो तो ये और पास पास में आ जाएगा। जितना ज़्यादा पास पास में लेके जाओगे उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा पास आता चला जाएगा। अगर एक वर्टिकल लाइन लोगे तो क्या जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, ठीक नहीं, उसको जितना ज़्यादा फैलाओगे उतना ज़्यादा बड़ा सर्कल बनता जाएगा इतना दूर दूर, क्लियर है। बाकी सब चीज़ें क्या है, इक्वल स्पेस ज़्यादा यूनिफॉर्म है, और बाकी वही है कि अगर हाँ एक चीज़ और इंपॉर्टेंट इसमें, दो चीज़ और इंपॉर्टेंट वो पूछता है कई बार, अगर हायर एलिवेशन टुवार्ड्स द सेंटर लाइन है तो हिल होगी, वैसे बात है। अब देखो एलिवेशन को देख लो, इसको इसको भी समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका एलिवेशन मान लो 100 मीटर है, ये 200 मीटर है, ये 300 है, ये 400 है और ये 500 है, एलिवेशन ऐसे ही कुछ है। इसका मैं कंटूर बनाना है, बना लो इसका कंटूर, बना लो ये क्या बनेगा, 100 का कंटूर है, अब 200 का कंटूर बनाओ, ये लो आपको दिखेगा नहीं, रेड ले लेता हूँ, इसका कंटूर बनाओ, कंटूर बन गया 200 का, इसका कंट्रोल बनाओ 300 का कंट्रोल बन गया, और इसका कंट्रोल बनाओ 400 का कंट्रोल बन गया। तो अंदर की तरफ वैल्यू क्या हो रही है, अंदर की तरफ वैल्यू बढ़ रही है, कब, जब हम किसका बना रहे हैं कंट्रोल, एक हिल का। अगर यही एक पॉन्ड है या डिप्रेशन ऐसा है तो देखो अंदर तक वैल्यू क्या होगी, घटने लग जाएगी, बनाकर देख लेना आप, आपको अंदर तरफ वैल्यू घटते हुए देखने को मिलेगी, तो वो ये भी पूछ सकता है, क्लियर है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं कंट्रोल्स की, आप इनको पढ़ सकते हो, रेफर कर सकते हो पीपीटी को, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंट्रोल की सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिल सकती है। आगे चले, व्हेन द सरफेस ऑफ स्पिलवेज मेड कॉन्साइड विद द शेप ऑफ लोअर नेप ऑफ द फॉल इट इज नॉन एज। देखो जो स्पिलवेज है, आप स्पिलवेज की प्रॉपर्टीज और सारे स्पिलवेज को समझ लें और पढ़ लें तो ये क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, इस क्वेश्चन में फिर कुछ भी नहीं रहेगा। समझने की कोशिश करते हैं कि किस किस तरह के स्पिलवेज हैं, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके फंक्शन क्या क्या हैं, और वो किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। एक मिनट, पहला है स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवेज। इसको स्ट्रेट ड्रॉप क्यों बोला समझ जाएंगे, पहले मैं थ्योरी पढ़ूंगा फिगर में एक्सप्लेन करूंगा, चीजों को अपने आप क्लियर हो जाएगी। स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवेज कंसिस्ट ऑफ लो हाइट वियर फॉल हैविंग इट्स डाउन स्ट्रीम फेस रफली वर्टिकल। देखो ये डाउन स्ट्रीम फेस है, ये वर्टिकली होती है, ऑलमोस्ट रफली वर्टिकल होती है, इसलिए इसको क्या बोला स्ट्रेट ड्रॉप, सीधे इसको ड्रॉप कर देते हैं। व्हेन द वाटर लेवल इन द रिजर्वायर राइजेस अबव द नॉर्मल पूल लेवल द सरप्लस वाटर फील फ्रीली फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ द वेयर एंड इट इज नॉन एज स्ट्रेट ड्रॉप और फ्री ओवरफॉल। होता क्या है, हमारा डैम है, इसको क्या बोलेंगे, तो नॉर्मल पूल लेवल बोलेंगे। जब इससे ज्यादा पानी बढ़ने लग जाएगा तो क्या होगा, ये वाला पानी क्या होगा, सरप्लस वाटर को हम बाहर निकाल देंगे स्ट्रेटली, ये हमारा वर्टिकल होता है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, फ्री फॉल या फिर स्ट्रेट ड्रॉप। टू प्रिवेंट द स्कोरिंग एट डाउन स्ट्रीम एंड आर्टिफिशियल पूल मेड। देखो अगर ये पानी सीधा यहाँ पर गिरने लग गया तो स्कोरिंग होने लग जाएगा मिट्टी का, स्कोरिंग होते 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 इस डैम को स्टेबलाइज कर देगा। तो हम क्या करते हैं, हम पानी डाल देते हैं, आप आर्टिफिशियली पानी डाल देंगे, तो जैसे ही पानी इसमें आएगा अपनी एनर्जी को लूज कर देगा और यहाँ पे स्कोरिंग एक्शन नहीं होगा। तो एक आर्टिफिशियली पूल इसमें बना देते हैं एट डाउन स्ट्रीम सेक्शन, क्लियर है। प्रॉपर वेंटिलेशन शुड बी प्रोवाइडेड, वो क्वेश्चन नहीं है, करते हैं। इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर थिन आर्च डैम, अर्थन डैम और बंड्स। तो स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवेज है वो थिन आर्च डैम, अर्थन डैम और बंड्स के लिए ज्यादा सुटेबल रहे होते हैं, क्लियर है। ये हमारी सारी कहानी होगी स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवेज की। अगला है ऑग स्पिलवेज। ऑग क्यों बोलते हैं, देखो ये आपको जो ये स्पिलवेज दिख रहा है ना, ऐसा आपको ये ऐसा, इसको ऑग, इस शेप का नाम ऑग है, ये जो शेप है ना इसको बोलते हैं ऑग शेप, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ऑग स्पिलवेज। क्या करते हैं इसमें, और इसमें क्या है, ऑगी बना हुआ है, इसलिए इसको ऑगी स्पिलवेज बोलते हैं।
इन दिस केस इसमें क्या करता है, डाउनस्ट्रीम फेस ऑफ वेयर इज कंस्ट्रक्टेड कॉरस्पॉन्डिंग टू द शेप ऑफ लोअर नेप ऑफ फ्रीली फॉलिंग वाटर। जो वाटर है वो जो लोअर है ऑगी शेप, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉइंसाइड करता हुआ जाए पानी, इस तरह से डाउनस्ट्रीम फेस को डिजाइन करते हैं। ऑगी शेप ऑफ डाउनस्ट्रीम फेस डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्टाइल, क्योंकि पानी जो है प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, तो उसी के बेसिस पर उसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए इसका ऑगी शेप डिजाइन किया जाता है। जनरली द शेप ऑफ लोअर नेप ऑफ वाटर जेट इज नॉट कॉन्स्टेंट फॉर ऑल वाटर हेड, हेंस द शेप ऑब्टेन फ्रॉम द मैक्सिमम हेड इज टेकन वाइल डिजाइनिंग। ठीक है, व्हेन द वेट देयर इज अ सरप्लस वाटर इट कैन बी फ्रीली डिस्पोज थ्रू द ऑगेस्पिल वेज अकॉर्डिंग टू ऑगी शेप, इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज ओवरफ्लो स्पिल वेज। मोस्ट कॉमनली यूज इन ग्रेविटी डैम एज अ वाटर डैम, इसको मोस्टली हम ग्रेविटी डैम में यूज करते हैं जनरली, आर्च डैम में, बटरस डैम में, लेकिन ग्रेविटी डैम। ये देखो ये कीवर्ड है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन फिर पूछेगा, ये फिर पूछा आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ हर एक चीज जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटी डैम, इसको ग्रेविटी डैम में यूज किया जाता है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये इसमें इंपॉर्टेंट है, इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओवरफ्लो स्पिलवेज, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको ओवरफ्लो स्पिलवेज भी बोलते हैं। इसके अलावा जो इसका डाउनस्ट्रीम फेज है वो पानी के साथ कॉइंसाइड करता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू द डाउनस्ट्रीम फेस ऑफ द शेप ऑफ द वाटर इन डाउनस्ट्रीम फेस में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑगी स्पिलवेज बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, ये सारी कहानी इसमें आप इसको रेफर कर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपीटी फिगर कंस्ट्रक्शन ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलता इतना डिटेल में, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसलिए चुपचाप ध्यान से सुनना, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करना, वापस से देखना, दो तीन बार देखोगे अपने आप इतना क्लियर हो जाएगा, आपको दोबारा सोचना ही पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ये क्लियर है। आगे बढ़ो, अगला शाफ्ट स्पिलवेज, शाफ्ट स्पिलवेज कुछ नहीं होता, शाफ्ट स्पिलवेज टाइप ऑफ स्पिलवेज कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल शाफ्ट फॉलोड बाय ए हॉरिजॉन्टल कंडक्ट। देखो क्या होता है ना इसमें, ये आपको शाफ्ट दिख रहा है बस यही है, तो पानी जैसे बढ़ेगा अपने लेवल बढ़ता जाएगा तो पानी क्या होगा यहाँ पे इसमें जाना स्टार्ट कर देगा, यस और नो। देखो और इस पानी से जाकर के इसमें क्या होगा, फिर साइड में जाकर के यहाँ पर ये पानी नीचे की तरफ जाएंगे तो इसमें एक कंडूट लगा होगा हॉरिजॉन्टल कंडूट, वहां से पानी को सरप्लस बाहर निकाल देते हैं किसी जगह नदी वगैरह रिवर में, इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। द सरप्लस वाटर एंटर्स इनटू द वर्टिकल शाफ्ट एंड देन हॉरिजॉन्टल कंडूट फाइनली रीचेस टू डाउनस्ट्रीम ऑफ द सेक्शन। ठीक है, तो शाफ्ट जो होती है कंटेंट आर्टिफिशियल और नेचुरल, कई बार हो सकता है कि ये जो शाफ्ट है जो होल है बीच में ये आर्टिफिशियल नेचुरल भी हो सकता है, नहीं होगा तो हम आर्टिफिशियल इसको बनाते हैं। ठीक है, एक्सकेवेशन नेचुरल शाफ्ट पॉसिबल व्हेन द हार्ड रॉकी लेयर इज प्रेजेंट ऑन द अपस्ट्रीम साइड, जब हार्ड रॉकी लेयर रही होगी तब जाकर हम इसका एक्सकेवेशन कर सकते हैं, पता लगा एक्सकेवेशन करना चले और पूरा का पूरा मिट्टी के कारण और सैंड के कारण जो है कोलैप्स हो जाए स्ट्रक्चर का, तो हार्ड रॉकी लेयर का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है एक्सकेवेशन करते रहें अपस्ट्रीम फेस पर, तब जाकर ही हम इसको कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हार्ड स्टेटा नहीं है, नॉर्मल लूज सॉइल है, तो जैसे हमने इसको एक्सकेवेशन किया यहाँ पर सॉइल है ऑलरेडी वाटर भरा हुआ है सॉइल है, पूरा का पूरा डैम कोलैप्स कर जाएगा। इन केस ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट द इनलेट होल ऑफ वर्टिकल शाफ्ट स्पेसिफिकली इज कॉल्ड मॉर्निंग ग्लोरी और ग्लोरी होल ऑफ द स्पिलवेज। ठीक है, लार्ज प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, इनलेट होल जो होता है उसको ग्लोरी होल ऑफ स्पिलवे बोलते हैं, ये ग्लोरी होल ऑफ स्पिलवे है, ये जो आपको दिख रहा है शाफ्ट स्पिलवेज आल्सो कॉल्ड मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवेज और बेल मार्क स्पिलवेज। ठीक है, तो बेल माउंटेड इसका जो शेप है ना इसको बेल माउंटेड बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, देखो आप इसको देखोगे ये बेल माउंटेड है, इस तरह से होता है इसका माउंटेड शेप। ठीक है ना, इसको बेल माउंटेड बोलते हैं, ये पूरी तरह सर्कुलर है। ठीक है, ये इस तरह से पूरा सर्कुलर है, मैंने आपको केवल इस तरह दिखाया, साइड से नहीं जा रहा पानी, पूरा 360 डिग्री से पानी जा रहा हुआ इसमें। ठीक है ना, इसको बोल रहे हैं बेल माउथ स्पिलवेज बोलते हैं, इसको जो शेप है इसको बोलते हैं बेल माउथ, और क्योंकि स्पिलवेज में शेप को दिया है इसलिए इसको बोलते हैं बेल माउथ स्पिलवेज, मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवेज आपका निकल के आ गया। क्लियर है कहानी, इसको बोल देंगे मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवेज या फिर बेल माउथ। ये सारे पॉइंट ना इंपॉर्टेंट है, सब पूछा जाता है, सब पूछता है वो, इसलिए मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ। क्लियर है, स्पिलवेज प्रोवाइडेड व्हेन देयर इज नो स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द अदर टाइप ऑफ स्पिलवेज। अब देखो अब आप पास ये कब देते हैं, ये तब देते हैं जब आपके पास स्पेस ही नहीं है। अभी आपको डैम दिख रहा होगा, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर सब अरे यार सपोज करो यहाँ पर डैम है, सपोज करो यहाँ पर डैम है, ठीक है, इतना ही डैम है, इसके बाद में जगह ही नहीं है। देखो यहाँ पे पूरे बार आ गया, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हाउस हाउस होंगे, कुछ ना कुछ और कंस्ट्रक्शन है। अब आप आपको अगर स्पिलवे देना भी है, ऑगी स्पिलवे, तो बहुत बड़ा लैंड चाहिए,
आपको एक तो यहाँ पर डैम है, सपोज यहाँ पर डैम है, स्पिलवे आपको देना है, सपोज करो स्पिलवे आपको देना है, ठीक है। तो एक तो आपको स्पिलवे देना है, तो इतना बड़ा लैंड चाहिए, और इसके बाद में फिर आर्टिफिशियल पूल देना है, और फिर उस बाद में भी काफी एरिया आपको खाली रखना है, इतना जगह चाहिए होता है तब जाके आप एक स्पिलवे दे सकते हो। लेकिन इतना जगह नहीं है तो क्या करेंगे, वर्टिकल शाफ्ट दे देंगे, शाफ्ट स्पिलवे को यूज कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शूट स्पिलवे, शूट आपने पढ़ा है, शूट कब यूज करते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह तक हमें जाना हो, वर्टिकल एलिवेशन में डिफरेंस हो, हम शूट देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने इसको पढ़ा है बीएमसी के अंदर, जब हम अपना कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, हायर एलिवेशन लोअर एलिवेशन तक शूट प्रोवाइड करते हैं, वही शूट है। तो पानी क्या है, शूट के जरिए जो है एक जगह से दूसरी जगह तक आ रहा होता है, सरप्लस वाटर। तो शूट इज अ टाइप ऑफ सीवेज में सरप्लस वाटर फ्रॉम अ स्ट्रीम इज डिस्पोज्ड डाउनस्ट्रीम बाय स्टीपली स्लोप्ड ओपन चैनल। ओपन चैनल है, स्टीपली स्लोप्ड है, उसके थ्रू पानी जो है इसमें आ रहा होता है। इट इज जनरली कंस्ट्रक्टेड एट एंड वन एंड ऑफ स्प्रेड अवे फ्रॉम द डैम इन नेचुरल सेटल बैंक ऑफ द रिवर। तो क्या करते हैं जनरली, ये हमारे कोई बैंक ऑफ रिवर जो भी कुछ है, रिवर है कुछ भी है एक्सेस, उसके तरफ इसको करते हैं थोड़ा दूर, और जो एक्स्ट्रा पानी है इसको सरप्लस वाटर को लेके आ जाते हैं और रिवर में इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, ठीक है। द वाटर फ्लोज अलोंग द स्टीपली स्लोप द शूट फॉर द ऊपर चैनल, नीचे द स्टीप होता है काफी, आप देख भी रहा होगा कितना ज्यादा स्टीप है, उसके थ्रू वाटर जो है फ्लो होता होता है, फिर इसलिए इसको क्या बोलते हैं, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रफ स्पिलवेज और ओपन चैनल स्पिलवेज। ओपन चैनल क्यों बोला, अब देखो पानी अपनी वेट की वजह से फ्लो करता है, पानी अपनी वेट की वजह से, अपनी ऑन ग्रेविटी एक्शन की वजह से फ्लो करता है, इसलिए इसको क्या बोला, ओपन चैनल स्पिलवेज, ठीक है। ट्रफ स्पिलवेज क्यों बोला, क्योंकि स्टीप बहुत रहा होता है, स्टीप पर है इसलिए इसको बोला ट्रफ स्पिलवेज, क्लियर है। शूट स्पिलवेज क्यों बोला, क्योंकि हमने शूट प्रोवाइड किया है पानी की एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, इसलिए इसको शूट स्पिलवेज बोला। टू डिसिपेट एनर्जी फ्रॉम फॉलिंग रिवर, एनर्जी डिसिपेटर कैन बी प्रोवाइडेड ऑन द बेड ऑफ द शूट स्पिलवेज। तो कई बार हम एनर्जी प्रोवाइडर यहाँ पर एनर्जी डिसिपेटर प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया है, वाटर प्रोवाइड किया है, स्टिल वाटर स्टिल बेसिन, क्यों, पानी आएगा, पानी पानी के अंदर जाएगा, अपनी एनर्जी को लूज कर देगा, अगर यहाँ पे सॉइल रहा होता तो क्या करता, स्कोरिंग कर देता, ठीक है, तो उसको यूज कर सकते हैं, इसको इसको क्या बोला, इसको शूट स्पिलवे बोला। साइड चैनल स्पिलवे, देखो साइड चैनल क्या है, आप देख सकते हैं ये हमारा डैम है, तो डैम के पहले साइड में ही एक चैनल को कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, इसको क्या बोला, साइड चैनल बोला। तो साइड चैनल सिमिलर टू शूट स्पिलवे, शूट की तरह होता है, लेकिन शूट क्या है, शूट में क्या होता है, हम इसको डैम के साथ में बना रहे हैं और शूट में कहीं दूर जाकर के हम शूट प्रोवाइड करते हैं, डैम से कहीं दूर जाकर, लोकेशन रिमोट लोकेशन पे जाकर के, ठीक है, दूर जाकर। तो साइड चैनल स्पेस सिमिलर टू शूट स्पिलवेज, बट ओनली डिफरेंस इज द क्रेस्ट ऑफ द साइड चैनल इज लोकेटेड, व्हेन द क्रेस्ट ऑफ शूट स्पिलवेज इज लोकेटेड बिटवीन द साइड वॉल्स, क्लियर है। इन अदर वर्ड्स द वाटर स्पिलिंग फ्रॉम द केस इज टर्न 90 डिग्री टू द स्पिलवेज फॉलिंग टू द क्रेस्ट ऑफ द साइड वॉल्स अनलाइक द शूट स्पिलवेज, वाटर फ्लो हो रहा है उसको 90 टर्न कर दिया, पानी पहले ही प्रूव करता है अपनी वेट की वजह से, क्लियर है। साइड चैनल स्पिलवेज आर प्रेफर्ड ओवर शूट स्पिलवेज व्हेन फ्लैंक्स ऑफ सफिशिएंट विड्थ आर नॉट अवेलेबल, ऑब्वियस बात है ना, अब आपका सफिशिएंट विड्थ नहीं है तो साइड में दे दोगे, ऑफ कोर्स और जगह है आप उसको दूर जाकर के डिस्पोज कर सकते हो, रनिंग में रिवर में आप शूट प्रोवाइड कर दोगे, जगह नहीं है तो क्या कर दोगे, जितने लिमिटेड विड्थ आप क्या प्रोवाइड कर दोगे, साइड चैनल स्पिलवे प्रोवाइड कर दोगे। अगर साइड चैनल की भी जगह नहीं है, अगर साइड चैनल की भी जगह नहीं है, क्या करोगे, शाफ्ट प्रोवाइड कर दोगे, आप डैम के अंदर ही आप एक नैरो होल बेल माउंटेड शेप क्रेस्टवे बना दोगे, उसी के अंदर पानी को पास कराओगे, बात है कि नहीं है, तो कर सकते हो आप, तो ये आपका क्या कर सकते हो, साइड स्पिल कर सकते हो। अगर खूब जगह है तो क्या करेंगे, ओगी ओगी माउंटेड ओगी शेप देंगे, कम जगह है तो क्या करेंगे, वर्टिकल फॉल कर देंगे, और कम जगह है तो कोशिश करेंगे साइड से निकाल दें या फिर शूट के थ्रू निकाल दें, और कम जगह है तो क्या करेंगे, शाफ्ट से निकाल देंगे पानी को। तो ये आप देख सकते हैं ये पानी जो जा रहा है, ये पानी इस तरह से निकल के जा रहा है, ठीक है, डैम है, डैम हमारा, तो पानी क्या कर रहा है, 90 डिग्री मूव कर रहा है, पानी फ्लो ऐसा है लेकिन वो मूव ऐसा कर रहा है, 90 डिग्री टर्न करके जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, साइड चैनल स्पिलवे, साइड में एक चैनल बनाया है वहां से इसको जाकर के हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं। ये आपका डिटेलिंग हो गया कि क्या क्या मटेरियल बना होते हैं, वो हमारे को डिटेलिंग में जाने का जरूरत नहीं है, लेक्चर में वो सब कवर होता है। अगला साइफन स्पिलवे, तो साइफन हमने पहले ही पढ़ा, साइफन एक्शन क्या है, साइफन एक्शन यही है कि यहाँ पर पानी अगर नॉर्मल लेवल तक है तो यहाँ पर एयर रही होगी,
ये पानी डूबा हुआ था, जो स्पिलवे होता है ना, ये पानी में डूबा होता है, समझ होता है ये एक एंड इसका, तो ये ऐसा होता है जहाँ पे एयर भरी होती है। अगर पानी नॉर्मल पूल लेवल तक है ठीक है, तो एयर भरी हुई है तो पानी वापस इधर आएगा नहीं, लेकिन जैसे ही पानी का लेवल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो अपने वेट क्या नहीं होगा, जो एक्स्ट्रा सरप्लस पानी, एक्स्ट्रा सरप्लस वाटर है, वो क्या कर जाएगा, फ्लश कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा अपने वेट के कारण। इसको क्या बोलता है, साइफन एक्शन बोलते हैं। पूरी डिटेल में साइफन एक्शन पढ़ा हुआ है हमने, साइफन रेन गेजेस में। देखो कितनी अच्छी तरह से स्टडी लिंक्ड है एक दूसरे के साथ में, है कि नहीं। अगर हम डेप्थ में हर एक चीज़ को, हर एक कॉन्सेप्ट को समझें, तो सारी चीज़ें कितनी अच्छी से इंटरलिंक्ड है। और अगर हम बेसिक ओवरऑल थोड़ा स्टडी कर लें, तो क्वेश्चन तो अपने आप बन जाता है, कोई नहीं चाहता कि क्वेश्चन ना बने। सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बन जाएंगे, अभी इसके बाद मैं बताऊंगा आपको। साइफन स्पिलवे हो गया। अगला है लेबरिंथ स्पिलवेज में क्या होता है, इट इज स्पिलवे वेयर वॉल कंस्ट्रक्टेड इन अ जिगजैग मैनर टू ऑर्डर इंक्रीज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेयर कर्व्स विद रिस्पेक्ट टू चैनल वेट। इसको जिगजैग मैनर बनाते हैं, बस ये होता है ताकि लेंथ जो है हमारी बढ़ जाए। इंक्रीज द इफेक्टिव लेंथ रेजेस द डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ द वेयर एंड हेंस हायर वाटर फ्लो और सॉलिड कैन कैरी टू डाउनस्ट्रीम इजीली। जब जिगजैग मोशन रहा होगा तो ज्यादा हमारे पास क्या रहेगा, इफेक्टिव लेंथ रहेगा, तो ज्यादा जगह जो पानी है वो हमारा डिस्पोज ऑफ हो सकता है, उसका सेक्शन ज्यादा डिस्पोज ऑफ नहीं। क्या करते हैं, लेंथ इंक्रीज करने के लिए जिगजैग अवॉइड कर देते हैं। सेम कहानी है जब हम वेल्डिंग में जाते हैं, वेल्डिंग जब हमारे पास वेल्डिंग का साइज, हमें सपोज करो कि पेल्ट, ये सेक्शन है, ये प्लेट है, वेल्ड करना है। अब ये लेंथ सफिशिएंट नहीं है, क्या करेंगे, स्लॉटेड होल कर देते हैं, करते हैं नहीं करते हैं। अब सारे सेक्शन पर क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं ताकि हमारी लेंथ बढ़ जाए। तो लेंथ बढ़ाने के लिए सिविल इंजीनियरिंग में एक एस्पेक्ट है, वो है जिगजैगिंग। जब आपको सेक्शन की लेंथ बढ़ानी है, एरिया बढ़ाना है, तब क्या करो, जिगजैगिंग कर दो, आपका लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं लेबरिंथ स्पिलवेज। आप कई कई जगह इसको प्रोवाइड कर देते हैं। फंक्शन क्या मैंने बता दिया, क्लियर है कहानी। डिटेल में सब कुछ ही पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन के साथ आपका कोर्स भी कवर अप हो गया, ये देखो आप ठीक है। इतना डिटेल में देखो आप क्वेश्चन में क्या पूछा, आसानी से एक ऐसा स्पिल बताओ जो शेप ऑफ द लोअर डाउन स्ट्रीम में फ्री फॉलिंग जेट के साथ कॉइंसाइड करता है, वो शेप उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑगस्ट स्पिल बेस। हमने देखा ना ये ऑगस्ट स्पिल बेस है, तो वाटर जब फॉल करेगा ना तो इसी शेप के अलोंग फॉल करता है, ऑगस्ट शेप के अलोंग डाउन स्ट्रीम में, या फिर लोअर एंड बोल दो उसको, या फिर डाउन स्ट्रीम बोल दो, इसको क्या बोला, ऑगस्ट स्पिल बेस बोला। ड्रॉप स्पिल, अब सब देख लो, ड्रॉप स्पिल जब पढ़ा, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट फॉल बोलते हैं, या फिर ड्रॉप पढ़ा हमने। पानी को क्या करेंगे, वर्टिकल फॉल कराएंगे, तो फिर थोड़ा सा एक ओवरहैंग दे देते हैं, इससे ज़्यादा कुछ करते नहीं है, जिन्हें लोअर कस्टेबल रखते हैं इसको हम ड्रॉप स्पिलवे बोलते हैं। स्टाफ्ट स्पिलवेज, जब हमारा ये डैम है, जगह नहीं है स्पिलवेज प्रोवाइड करने के लिए, बिल्कुल भी जगह नहीं है कि हम शूट प्रोवाइड कर सकते, इतनी भी जगह नहीं कि साइड चैनल तक प्रोवाइड कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, इसी में हम एक वेंट बना के दे देंगे बेल माउंटेड शेप को या ट्रफ शेप को, उसको हम क्या बोल देंगे, स्टाफ्ट स्पिलवे बोल देंगे। अगला शूट स्पिलवेज, जब पानी को हमें क्या करना है, यहाँ से रिवर में, ये रिवर है तो हमें पानी को रिवर में ले जाकर डिस्पोज ऑफ करना है, तो हम क्या करते हैं, स्टीप शेप्ड शूट बना देते हैं, इसको हमने क्या बोला, शूट स्पिलवेज बोला। अब शूट में क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, रिवर होता है, रिवर में जाकर डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, अपने पानी अपने वेट की वजह से फ्लो करता है, इसको क्या बोलते हैं, ओपन चैनल स्पिलवेज, इसको बोल देते हैं, इसको हम ओपन चैनल स्पिलवेज बोल देते हैं। इसकी कहानी हो गई, कितना सा कहानी, तो कितनी सारी कहानी हमने डायग्राम के साथ डिटेल में स्टडी किया है। टाइम लगा है समझने में, नो डाउट लगा है, लेकिन स्टडी भी कंप्लीट हुआ है। अगला पढ़ते हैं, अगला कह रहा है कि हाइड्रोलिक रेडियस बताओ सर्कुलर पाइप का। तो देखो हाइड्रोलिक रेडियस एम क्या होता है, एरिया बाई पैरामीटर। एरिया क्या होगा, पाई बाई फोर डी स्क्वायर, पैरामीटर क्या होगा, पाई डी होगा। सॉल्व कर लो क्या जाएगा, डी बाई फोर आ जाएगा, तो डाउट ही नहीं होना चाहिए, लेकिन आगे चलते हैं। पास्कल ऑसिलेटर, देखो ये जो क्वेश्चन है ये, इसमें कोई बहुत थोड़ी जरूरत नहीं है संपूर्ण थ्योरी की, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट उड़ा रहा हूँ। तो पास्कल वो क्या कहता है कि अगर ये कोई बॉडी है हमारी पानी के अंदर है, तो हर एक डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, सॉरी प्रेशर लगेगा, वो प्रेशर सेम रहा होगा, फोर्स डिफरेंट हो सकता है, प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है। तो प्रेशर इंटेंसिटी एट अ पॉइंट लिक्विड एट रेस्ट इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन, ये हमारा पास्कल लॉ हो जाता है, सबको पता है। अगला पूछा था करेक्ट द ऑप्शन विच इज द वैल्यूएशन और ऑप्शन से इंक्लूडेड है। द फिजिकल लॉस इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू वियर टियर एंड डिके इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब इसी बात हम पढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है,
ओवर द टाइम यूज करने पर उसका वेरिएंट एनर्जी से उसकी कॉस्ट घट जाती है, उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। सही बात है। द लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यू टू चेंज इन डिजाइन फैशन और स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑब्सोलेंस। देखो ऑब्सोलेंस लोगों को समझ में नहीं आता है, उसको मैं जल्दी समझा देता हूँ, बाकी सब चीज़ तो क्लियर है। ऑप्शंस का मतलब यह है कि ट्रेंड के हिसाब से आज के टाइम पर उस चीज़ का फैशन आउट हो चुका है, उस ट्रेंड का फैशन आउट हो चुका है, अभी एक नया ट्रेंड हम यूज़ कर रहे हैं उसको ऑप्शंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बताऊँ मैं आपको, पहले के टाइम पर ना कैसेट चलते थे, म्यूजिक सुनने के लिए कैसेट चलते थे। बाद में क्या आया, सीडी आ गई। सीडी की जगह किसने ली, सीडी की जगह वीसीडी आ गया, मतलब डीवीडी ने लिया, डीवीडी आ गया ना बाद में, उसके बाद में डीवीडी की जगह आ गई, उसकी जगह डीवीडी के बाद उसकी जगह किसने ली, आपके टाइम नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम और हॉटस्टार ने ले लिया, नहीं लिया। तो आज के टाइम पर अगर आपके पास वो कैसेट है तो वो ऑप्शलेंस है। आज के टाइम वो कैसेट लगाकर इतनी इतनी बड़ी जगह खा करके उसमें 5 गाने चलाने के लिए कुछ सेंस नहीं बनता, उसकी जगह ली वीसीडी डीवीडीज ने, जिसमें आप 30 या 40 गाने ला सकते थे, तो वो अच्छा सेंस आया कि एक मूवी उसके अंदर रिकॉर्ड हो रही छोटी सी चिप पर। उसी जगह फिर डीवीडी आ गया, 5 5 6 6 मूवीज एक सीडी में आने लगी। और अभी क्या, एक फोन के अंदर हजारों लाखों मूवीज रखी हुई हैं, देख सकते हो। तो ट्रेंड के हिसाब से जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ तो डिजाइन और जो फैशन है वो आउटडेटेड हो गया, उसको बोलते हैं ऑप्शलेंस। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है, दोनों सही है, तो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू। देखो टेक्यूमीटर का क्वेश्चन है, उस टेक्यूमीटर में लाइन ऑफ साइट दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ, सीडी ऑप्टिकल एंगल सब दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि रिलेशन क्या निकल के आता है। ठीक है, देखो वैसे तो इसका पूरा डेरिवेशन है, डेरिवेशन अभी मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम निकल चुका है चीज़ों के साथ, मैंने क्या है, अगर इसका अगला कोई क्वेश्चन आएगा ना कभी वीडियो में या फिर अगले जगह पर, तो उसको मैं डिटेल में डिस्कस करवा दूंगा। अभी के टाइम पे आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा होता है ऑर्डर निकालने के लिए। और टेक्यूमीटर में वर्टिकल आपको डिस्टेंस निकालना है, वर्टिकल एलिवेशन निकालना है, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है उसको कुछ नहीं होता, बस जो के एस एस जगह रहता है सेंटर और साइंट कॉस्ट की जगह ज्यादा साइंट, ये चेंज हो जाता है बस। आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं चीज़ को, फॉर्मूला मैंने पूरा लिखा हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ रहा है तो निकलेगा के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा, और अगर वर्टिकल डिस्टेंस पूछता है तो निकलेगा के एस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी साइन थीटा, ये निकल के आता है। अच्छा इसमें एक और दो चीज़ और हैं जिसमें आप शायद कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि फॉर्मूला मिल नहीं रहा, तो के बराबर क्या होता है, एफ बटा आई, और जो सी है यहाँ पर होता है एफ प्लस डी होता है, ये फॉर्मूला है। आपको ये चार चीज़ याद रखनी है इस टैक्यूमीटर के कॉन्सेप्ट में, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। बाकी टैक्यूमीटर को मैं अगली वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें कवर अप करा दूंगा टैक्यूमीटर के सारे फंक्शन को और उनकी सारी चीज़ों को। अब एक टाइम पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ प्लस एन कॉस थीटा। ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, के की जगह क्या गया, एफ बटा आई आ गया, के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी की जगह क्या गया, एफ प्लस डी आ गया, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला एयर इंटरमेंट कॉन्क्रीट इंक्रीज रिजल्ट्स। तो एयर इंटरमेंट जब करते हैं ना कॉन्क्रीट में, वर्केबिलिटी को बढ़ाता है। एयर इंटरमेंट क्या होता है, जनरली एडमिक्सचर होता है, तो एडमिक्सचर क्या करता है, ये हमने एडमिक्सचर डाला, ये हमारा सीमेंट है सपोज करो, ठीक है, तो एडमिक्सचर क्या करेगा, सीमेंट पार्टिकल है, सैंड वगैरह है, तो एडमिक्सचर क्या करता है, एयर एडमिक्सचर इसके साथ ना एयर बबल्स बना लेता है, ये एयर बबल्स बनाता है, फ्री बबल्स, एयर बबल्स जो फ्रिक्शन है ना उसको रिड्यूस कर देता है, ये ना मूव हो सकते हैं एयर बबल्स के कारण, बियरिंग जो है ना इनकी वो फ्री हो सकती है, एक दूसरे पर स्लिप कर सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो स्लिप करने के कारण क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो गया, फ्रिक्शन कम होने के कारण क्या हो गया, वर्केबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो एयर इंटरमेंट से क्या होता है, वर्केबिलिटी बढ़ जाता है। अच्छा क्यों करते हैं, ताकि सेग्रीगेशन कम हो जाए। देखो इसको यहाँ पे लिखा है मैंने, लार्ज नंबर ऑफ यूनिफॉर्म स्टेबल एंड क्लोज ट्रेनिंग बबल्स प्रोसेस मिक्सिंग कॉन्क्रीट टू रिड्यूस द सेग्रीगेशन ऑफ द कॉन्क्रीट मिक्सचर। सेग्रीगेशन को क्या करता है, कम करता है, इम्प्रूव द वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करता है, एंड ऑल्सो एंटी फ्रिक्शन एबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, परमिबिलिटी को घटाता है। ठीक है, सॉरी स्ट्रेंथ को बढ़ाता नहीं, स्ट्रेंथ को घटाता है और वर्केबिलिटी को बढ़ाता है। स्ट्रेंथ कम क्यों हो रहा है, स्ट्रेंथ क्यों रिड्यूस हो रहा है इंटरमेंट से। देखो आपने एक सीमेंट सैंड है उसके बीच में आपने एयर को भर दिया, तो फ्रिक्शन बॉल बेयरिंग तो इंप्रूव हो गया, बात सही है, लेकिन ओवर द टाइम जब जैसे ही एयर डिस्पोज आउट होगी स्ट्रक्चर से, जैसे ही एयर डिस्पोज आउट होगी वहां पर क्या हो जाएंगे, वैकेंट हो जाएंगे। ठीक है ना, एयर जब जैसे एयर वैकेंट आउट हो जाएगी, एयर निकल जाएगी,
स्ट्रक्चर की हार्डनिंग पे, ड्यूरेबिलिटी के टाइम पर, स्ट्रेंथनिंग के टाइम पर, जैसे ही एयर डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाएगी अपने रेट ऑफ हाइड्रेशन के कारण, तो उस जगह पर क्या हो जाएगा, टाइनी होल्स रह जाएंगे, वैकेंट होल रह जाएंगे, और जैसे ही होल रह जाएंगे तो होल के कारण क्या हो जाएगा, क्रैक प्रोपोगेशन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और क्रैक के प्रोपोगेशन से हमारी ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है स्ट्रक्चर की रिड्यूस हो जाती है। ध्यान रखना एयर इंटरमेंट ना बहुत अच्छा एडमिक्सचर है, ये सारी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है, सेग्रीगेशन को इम्प्रूव करता है, रिड्यूस कर देगा, परमिबिलिटी को कम कर देगा, ये आपका वर्केबिलिटी को इम्प्रूव कर देगा, वर्केबिलिटी को बढ़ा देगा। इसका एक ही ड्रॉबैक है क्या, कि स्ट्रेंथ को कम करता है, बस यही इसका एक ड्रॉबैक है, बाकी सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर देता है। आगे देखो क्या कहता है, कि अब इसका डेफिनेशन दिया, बोले इसको क्या कहते हैं, तो देखो डेफिनेशन समझ लेते हैं। सॉलिड वॉल्यूम इंडेक्स उसको बोलते हैं, क्या होता है ये सॉलिड वॉल्यूम इंडेक्स, ये बोलता है कि 1 ग्राम सॉलिड, तो मिक्स लिक्विड सस्पेंशन सॉलिड है, MLSS उसको बोलते हैं, इसमें 30 मिनट में अगर इसको सेटल करें तो 1 ग्राम सॉलिड को, 1 ग्राम सॉलिड को कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो रहा है, उसको बोलते हैं सॉलिड वॉल्यूम इंडेक्स। देखो ये डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। सपोज करो कि आपका एक MLSS कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, इसमें बात करता हूँ मैं सॉलिड की, उसको मान लो वॉल्यूम की बात करूंगी, तो आपने कंसेंट्रेशन लिया MLX मिक्स लिक्विड सस्पेंशन सॉलिड, इसको 30 मिनट के लिए सेटल कर दिया, रोक दिया 30 मिनट के लिए। सपोज करो कि इसमें सॉलिड है 0.5 ग्राम, और सब लग रहा है सपोज करो कि 50 ml, मान लो एग्जांपल ले लो, तो हमें निकालना है कि स्लज वॉल्यूम इंडेक्स कितना होगा। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या है, कि 1 ग्राम सॉलिड को कितना वॉल्यूम लग रहा है 30 मिनट, जब उसको सेटल आउट कर सकते हैं तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है स्लज वॉल्यूम का, उसको बोलते हैं स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। देखो जब 0.5 ग्राम सॉलिड 50 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है, तो 1 ग्राम सॉलिड कितना करेगा 100 मिलीग्राम, उसको बोलते हैं 100 मिलीग्राम। तो 100 मिलीग्राम, सॉरी 100 मिलीलीटर पर ग्राम, 1 ग्राम जो 100 है, 100, ये 100 क्या है, 100 को बोलेंगे स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। तो इस मिक्स लिक्विड सस्पेंड सॉलिड का जो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स वो कितना निकलेगा, 100 निकल के आएगा, यानी कि 1 ग्राम सॉलिड को 100 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करना पड़ रहा है 30 मिनट सेटल करने के लिए, उसको बोलते हैं स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। डेफिनेशन पूछा है, रेफर कर सकते हैं। अगला पूछा है कि बताओ कि स्ट्रेटेजिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर कौन सा है, कोई बड़ी बात नहीं है, सपोर्ट रिएक्शन निकालो, माइनस कर दो, थ्री थ्री क्या है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन सी होती है, समेशन ऑफ एक्स एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो, तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है जो हम यूज कर सकते हैं। पहले रिएक्शन निकालेंगे, यहाँ पे कितने रिएक्शन है, वर्टिकल रिएक्शन है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मूव नहीं कर सकता, हॉरिजॉन्टल मूव नहीं कर सकता, ये रोलर है, हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है, वर्टिकल रिएक्शन देगा, तो टोटल रिएक्शन कितना आया, तीन निकल के आया, तो 3 - 3 = 0 टोटल है, ये डिटरमिनेंट है, इसको निकालो। टोटल रिएक्शन तीन है, एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंट लेता है, तो 3 - 3 करो कितना आएगा, 0, 0 करोगे क्या आएगा, डिटरमिनेंट आएगा। अगला देखो रोलर है, एक वर्टिकल रिएक्शन है यहाँ पर, और ये क्या है, एक वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पर है, तो दो रिएक्शन है, 2 - 3 करो क्या आएगा, -1 आएगा, तो ये तो अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो गया, डिटरमिनेंस की तो बात ही छोड़ो। यहाँ पर देखो एक और एक दो हो गए, यहाँ पर देखो एक और एक दो हो गया, दो और दो चार हो गया, दो और दो चार, तो 4 - 3 करो कितना आएगा, 1 आएगा, तो डीएस कितना निकल रहा है, इसका डीएस बना रहा है, तो मतलब क्या है, इनडिटर्मिनेट, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन निकल के आ जाएगा, तो उसकी स्टेटिक इनडिटर्मिनेसी कितनी है, 1 है। ठीक है, अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आप लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करके बताना, ठीक है। अब बताएं कि इस स्ट्रक्चर का इंटरमिनेंसी कितना निकल के आया, तो मैं वर्टिकल लोड लगा दिया, ठीक है। अब मुझे आपका आपको इसको डीएस बताना है कितना होगा, या आपके होमवर्क नंबर 3 है, आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है, क्लियर है कहानी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई थिंक ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, सेशन आपकी काफ़ी ज़्यादा इंक्लूबिलिटी को बढ़ाया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और शेयर द चैनल, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। दिस वॉज द सेशन फ्रॉम वैभव शर्मा फ्रॉम द टीम एमसीक्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन।